शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैद्य नवीन जोशी आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी ये क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा अगस्त माह फरवरी से प्रारंभ हुई थी और अगस्त माह में सफलतापूर्वक अभी तक आप सभी के सहयोग के कारण ये चल रही है। मुझे उम्मीद है कि हम इसको इसी प्रकार से आगे भी अपने फ्रूटफुल और क्लिनिकल डिस्कशंस के लिए ये संभाषा जानी जाएगी, जिसमें हम किसी भी प्रकार के विगुह्य संभाषा से बचेंगे और हम अपने ज्ञान वर्धन के लिए इसे हम फ्रेंडली डिस्कशन तक सीमित रखेंगे। हमारे इस संभाषा में प्रतिदिन जो है एक विषय होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस विषय विशेष पर संभाषा को केंद्रित करके एक अच्छी संभाषा के रूप में इसे डेवलप करने के का प्रयास कर रहे होंगे। हमारे पास तमाम सारे फोन आते हैं, लोगों के बीच में इस संभाषा काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी लोगों ने इसके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जिसे भी इस संभाषा से जुड़ना हो वो 9410379397 नंबर पर संपर्क करें। एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, गूगल फॉर्म भरने के बाद आप 12 से 24 घंटे के अंदर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। जो लोग सीधे इसको ऐप पे देखना चाहते हैं तो ऐप पर आप जो है वो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को डाउनलोड करें और आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से यह ऐप उपलब्ध है। इस ऐप पर आप बैच कोड CAS, C4CAT, A4Apple, S4Student और X4Xmas, CAS, X429 डाल करके आप सीधे सीधे इस संभाषा के सीधा डायरेक्ट उस बैच से जुड़ सकते हैं, जहां से आप रोज 8 बजे इस संभाषा के जूम मीटिंग से भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इस संभाषा की टीम के सारे सदस्य जुड़ चुके होंगे। अभी संभवतः हमारे संभाषा के मॉडरेटर वैद्य अरविंद पाठक जी आज अभी नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके नाम ले लेता हूँ। तब तक ये आ गए वैद्य जी, बहुत बढ़िया। वैद्य जी ने अपनी पोजीशन चेंज कर रखी है आजकल, नहीं तो इनका एक फिक्स पोजीशन रहती है, पीछे बैकग्राउंड भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम मेम होस्ट बनाते हैं, आपका स्वागत है जी। क्या है, मैं अभी ना आप लोग संभाषा के टाइम पे मेरे पेशेंट भी आ रहे हैं तो मुझे दोनों मैनेज करना होता है। एक पंथ दो कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि सोरेसिस के पेशेंट जब आपके पास आते हैं, सोरेसिस जिसको हम एक कुष्ठ बोलते हैं, किटित कुष्ठ बोलते हैं, तो उसमें जब कर्दम कुष्ठ बोलते हैं तो उसमें ना पेशेंट आते हैं तो हम ट्रीटमेंट तो सही दे रहे होते हैं, लेकिन पेशेंट बोलते हैं कि हमें ना एक मिनट रुके, पेशेंट को हम जब ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना तो पेशेंट बोलते हैं कि हमें आपका ट्रीटमेंट तो कर रहा है लेकिन हमारा ये बढ़ रहा है, मतलब वो सोरेसिस बढ़ रहा होता है और वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा होता है। तो हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि सोरेसिस होने का मेन कारण स्ट्रेस है, काम शोक भयाद वायु, उसमें शोक जो कारण है उससे वो स्किन प्रॉब्लम बढ़ती है। आपका ट्रीटमेंट सही है, सब कुछ है, लेकिन पेशेंट का जो हेतु होता है उसमें स्ट्रेस को निकालना बहुत जरूरी है। और इसको निकालने के लिए आप काउंसलिंग करिए,
दूसरा आप शिरोधारा करिए, शिरोधारा में तक्र धारा जो रहता है, मतलब दही में पानी डाल के पतला करिए, तक्र की तरह ठंडा करिए, और उसका ना अगर आप आमलकी और हल्दी इसका लेप यहाँ लगा दें और फिर शिरो तक्र धारा करें तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से मैं कुछ कुछ चीज बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ जो हमारे सर ने बताया। एक जो वातरक्त व्याधि होती है, और वातरक्त व्याधि और कुष्ठ व्याधि, ये इसमें ना मधु यष्टि आदि तेल करके एक आता है, साउथ की कंपनियां बनाती हैं, तो वह ना हम लोग लगाते हैं कुष्ठ रोग में या वातरक्त में जब लगाते हैं तो वेदना का शमन होता है। तो ऐसे ग्रंथकारों ने और अनुभवी जो चिकित्सक है उनका यह कहना है कि इसका अभ्यंतर पान भी अगर कर दिया जाए तो कुष्ठ रोग में भी और वातरक्त में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जटामांसी सिद्ध जो तक्र होता है, मतलब तक्र में थोड़ा सा जटामांसी डालिए और उसमें शिरोधारा अगर कर दिया जाए तो सोरियासिस में जो कंडू है, विवर्णता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग करके देखिए, मैं आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ अपने सर के नोट से। और जो मधु यष्टि आदि तेल मैंने बताया ना, वो सोरियाटिक अर्थराइटिस में अगर अभ्यंतर सेवन कराया जाए, एक एक चम्मच या दो दो चम्मच, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पैर जो पैरों में जो क्रैक्स आते हैं, विपादिका जो बोलते हैं, उसमें जीवंत्यादि मलहर शतघ्रत लगाना बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं ना आप लोगों को, अभी मेरे पेशेंट तो आएंगे लेकिन वो अभी थोड़ा कन्विंस नहीं हो रहे हैं कि हमें बस्ती दिखाएं, उनको मैं 2-3 दिन में कन्विंस करूंगा। मैं लाइव आप लोगों को पंचकर्म दिखाऊंगा कि बस्ती कैसे देते हैं, स्नेहन जोधन कैसे करते हैं, और वहां थेरेपिस्ट आके कैसे कर रहे हैं, तो लाइव दिखाऊंगा। तो आप लोगों को, और जो लोग नए नए प्रैक्टिशनर हैं जो पंचकर्म करने से डरते हैं, तो एक बार आप लोग देखेंगे ना लाइव, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं सब लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए, हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। 1 मिनट। ओके, देखिए एक बार आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? हाँ सर, हो पा रहे हैं। जी सर। जी, तो अभी अपना अपना ये करिए, अपना अपना अनुभव शेयर करिए। आप लोग कुछ नए केसेस आए हैं तो बता सकते हैं आप लोग। डॉक्टर मोनिका जी, आपने कैसे पेशेंट देखे आज, कृपया बताइए तो। सर डॉक्टर एक्चुअली मोनिका मेरा जी, वर्क प्रोफाइल डिफरेंट है, मैंने आपको बताया था ना सर। क्या मेरा सर मतलब हेल्थ आप इंश्योरेंस का ज्यादा रहता है और वीकेंड्स पे मेरे पेशेंट्स होते हैं सर। तो कुछ बताइए तो, वीकेंड्स पे भी पेशेंट कैसे रहते हैं आपके, क्या क्या तो तरह के वीकेंड पे पेशेंट जैसे आते हैं? मेरा, हाँ मेरा अभी एक थी, एक फीमेल पेशेंट है 15 ईयर की, उसको जो अभी पीछे हमने नीलिका टाइप है सर, उसको बाजू पे और चेस्ट पोर्शन पे, बैक पे ऐसे करके, तो जी उसको मैंने मेडिसिन दिया था, जो हमने बात किया था वही, वो कुमकुम आदि तेल का नस्य और वो सब दिया उसको मैंने, सारी बात दिया सब, और आरोग्य वर्धनी वटी जी आरोग्य, तो वो सब चीजें उसको मैंने स्टार्ट किया है। ऐसे ही एक और पेशेंट है, उसको वो DUB का पेशेंट चल रहा है, एक फाइब्रॉयड का है, उसको काफी बड़े साइज के फाइब्रॉयड है सर। उसको मैंने इनिशियली मैंने ये बोल दिया था कि आई कैन नॉट डू एनी मिरेकल, 9 सेंटीमीटर का फाइब्रॉयड है सर, 9 सेंटीमीटर साइज का भी है, तो मैंने उसको बोला था कि इफ यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ मिरेकल फ्रॉम मी, आई कैन नॉट डू इट, ओवरनाइट नहीं होगा, आपको इसके लिए लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, देन इट विल हेल्प। तो उसमें उसका सर अभी हो गया, उसको 5-6 महीने लेते हुए, तो उसका बहुत ज्यादा नहीं, बस 0.5 सेंटीमीटर तक ही रिड्यूस हो पाया है आप ना एक काम करें, मांस उसकी पाचक और गणना। मेदो पाचक है ना, वो मेरे से ये मेरे को, लीजिए। ये मैंने आपको, हाँ, हाँ सर आई हैव सेड दैट, तो एक मैं वो, महीने में ना जितना है ना 9 सेंटीमीटर, वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा मांस पाचक मेदो पाचक से। सर वो मैं उस पे स्विच करती हूँ। एक्चुअली सर हमारे नॉर्थ में ना मांस पाचक मेदो पाचक का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का हम लोग को पता नहीं है, तो अभी मैंने हाँ सुना संभाषा में तो मुझे पता चला, अभी मैं वही सब स्टार्ट करने वाली हूँ सर यूज करने के लिए। हाँ आप करिए, फाइब्रॉइड पूरा डिजोल्व हो जाएगा। और कुमारी जो होता है ना, एलोवेरा, एलोवेरा का जेल जी और गुड़ इसके साथ अगर खिलाएंगी जी उनको सुबह शाम, बहुत अच्छा फायदा होगा। अच्छा, फ्रेश एलोवेरा लेना है, फ्लैश एलोवेरा का जेल, उसके साथ गुड़ और साथ में आम मांस पाचक, पाचक मेदो पाचक, मेदो पाचक, मांस पाचक मेदो पाचक। ओके आम सर, पाचक ओके वटी, कांचनार गोकुल, पत्र जी पुट्टली श्वेत, ये सब करें, रक्त मोक्षण करा जी दीजिए नाभि के आसपास, बहुत पत्र अच्छा पोटली एकदम से, पेशेंट का ओके। एकदम ठीक ही हो जाएगा, आरोग्य वर्धनी। सर मेरी हाँ एक और तो पेशेंट थी, उसको भी ऐसे 10-14 सेंटीमीटर का था, तो जी उसका वो नली पैरा थी, तो मैंने उसको यही बोला कि अभी आप यू विल बी प्लानिंग फॉर ये प्रेगनेंसी भी, तो इतना जल्दी इसमें नहीं आएगा, लेकिन उसने फिर भी वो बोले नहीं मुझे फिर भी ट्रीटमेंट आपसे ही लेना, यू आर सो ऑनेस्ट टू टेल मी, तो मेरे को ट्रीटमेंट लेना ही है आपसे, तो आई स्टार्टेड। एंड उसके साथ साथ ना सर उसने नेचुरोपैथी शुरू किया, मड पैक वगैरह ना वो सब शुरू किया,
सर उसका 2 मंथ्स में 3 सेंटीमीटर कम हो गया सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आए उसके अंदर मेरे को ना, और वही वर्णादि कषायम और हाँ कांचना गुग्गुल आरोग्य वर्धनी कुमार यासव, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट मैंने दिया था, उससे अच्छे रिजल्ट आए। तो सर मैं अभी वही कॉम्बिनेशन भी मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि आप नेचुरोपैथी भी साथ साथ करवा लो, उससे वेट लॉस भी हुआ और साथ में उसका। पर सर ये मांस पाचक मेदो पाचक जो आपने एडवाइस किया ना, मैं अभी ये स्टार्ट करती हूँ अपने पेशेंट में। आप करिए, आप फैन हो जाएंगी आयुर्वेद की, ऐसे तो है ही फैन। जी सर बिल्कुल हूँ सर, तभी मैं अभी ऑफिस से आई हूँ सर, आते ही मैंने ऑन किया सबसे पहले। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके हर पेशेंट ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भगवान आपको हीलिंग हैंड दे। बिल्कुल सर, सर आपके साथ सबके साथ रहेंगे ना सर, सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से ऑनेस्टली सब अपना शेयर करते हैं सर, डेफिनेटली हीलिंग हैंड्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, बोलिए। सर एक पेशेंट है सर मेरे पास, ये सोराइसिस का भी आया हुआ है, उसको मैं कैसे टैकल करूँ, पेशेंट से सर बात करूँ क्या? वीडियो ऑन करिए, हम केस टेकिंग करेंगे। ठीक सर। और इनका केस टेकिंग कौन करेगा? एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको ना स्पॉटलाइट करता हूँ, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ और कोई केस टेकिंग करेंगे। अच्छा सर, अभी ना हम लेडीज को हमेशा चांस देते हैं, आप पुरुषों को चांस देंगे केस टेकिंग का? डॉक्टर रवि कुमार जी आप लेंगे क्या केस इसका? सर प्रणाम। डॉक्टर सर, सर अभी बाहर क्या है, जस्ट मैं अभी। ठीक है हरिओम सर, आप केस टेकिंग करेंगे क्या? या डॉक्टर प्रभात पांडा जी कोई केस टेकिंग करिए, पुरुषों को अभी चांस मिलेगा। डॉक्टर रमन सर, हाँ एक मिनट रुकिए, हमें यहाँ पे किसी को लाना है जो केस टेकिंग करेगी। कौन आएगा? डॉक्टर रूपक सैनी जी आप केस टेकिंग करेंगे क्या? डॉक्टर अशोक मित्तल, मैं करता हूँ सर। हाँ करिए, आप करिए अच्छे से, हम लोग सुनेंगे सर। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हेलो हेलो, हाँ आपका गुड नेम? इशरार। सॉरी इशरार। आपका एज क्या होगा? 16 साल। 16। क्या तकलीफ है आपको? मेरे दिल पे ऐसे दाग है थोड़ा, पास से दिखाइए। आपका मोबाइल थोड़ा स्टेबल करिए, मोबाइल बहुत हिल रहा है। अच्छा ओके, ऐसा कब से है? ओके और कहाँ है? नेक में, चेस्ट में, नेक में कुछ है? तो पीछे तो है, देखा जी। हाँ ओके, हाँ ठीक है। कब से है ये? जब मैं 2 साल का था तब से, बचपन से। बचपन से है तो ऐसा ऐसा ही है या ये ठीक हो गया था फिर अभी बाद में फिर हुआ? बीच में ठीक हो जाता है, दोबारा हो जाता है। जब ठीक होता है पूरा क्लीन रहता है, कोई भी मार्क नहीं रहता? हाँ एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। अभी कब से हुआ, अभी कब बढ़ा, कब से? अभी तो है ना ये एक साल हो गया, कंटिन्यू चल रहा है। और इसके साथ और क्या क्या हो रहा है? और बस कुछ नहीं होता, खुजली भी नहीं आती है। सॉरी, खुजली भी नहीं आती है सर, कुछ नहीं होता, केवल ये स्पॉट वगैरह दाग वगैरह ही रहते हैं। स्पॉट सिर्फ? ओके ओके। इसमें साइज में इंक्रीज कर रहा है? साइज में बढ़ रहे हैं, साइज में बढ़ते हैं कि उतने रहते हैं? उतने रहते हैं, बढ़ते नहीं सर। अच्छा, और कुछ सीक्रेशंस भी नहीं होता कभी भी? कोई पानी वगैरह आता है इनसे? नहीं आता सर, सीक्रेशन नहीं होता। ऐसा फुंसी टाइप का भी उधर नहीं होता? ऐसा जैसा दिख रहा है ऐसा ही है। डैंड्रफ जो होता है स्कैल्प में ज्यादा, स्कैल्प में भी है इसके सर, डैंड्रफ बहुत होता है। हाँ नहीं, जो बॉडी में है, इसमें बॉडी में थोड़ी जगह सा है सर, हल्का सा कान के पास में है सर थोड़ा सा ये। हाँ ये देखिए, हाँ ये भी यहाँ भी खुजली नहीं है?
नहीं है सर, खुजली नहीं है अभी, नहीं है। ओके ठीक है। और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, क्या दवाई खा रहे हैं, दे रहे हैं? पहले सर बच्चे ये दिल्ली रहते थे पहले, तो वहाँ दिल्ली में सफदरगंज वगैरह और ये गंगाराम हॉस्पिटल वगैरह, यहाँ पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया था काफी, इन्होंने स्किन वालों को भी दिखाया था, बचपन से दिखाते हैं, 2 साल की एज थी ना जब से है इसको। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ ट्रीटमेंट क्या? अभी कुछ नहीं ले रहे सर, कुछ नहीं ले रहे जी। और ठीक है। और क्या सिम्टम्स है, और क्या तकलीफ है इसमें इनको? केवल स्किन की तकलीफ है, स्किन का है। आपका भूख कैसा है जी सर? एपेटाइट, एपेटाइट भूख कैसी लगती है? भूख अच्छी लगती है बता रहे, भूख अच्छी, खाना का खाने के टाइम में भूख दिखाती है, मतलब भूख लगती है तभी खाना खाता है कि वैसे ही खा लेता है? भूख लगती है तभी खाता है सर। ओके। और टॉयलेट लैट्रिन साहब कभी पेट साफ हो जाता है सुबह होते एकदम? हाँ सर पेट साफ हो जाता है, एक बार में हो जाता है, दो बार जाना पड़ता है, एक बार में हार्ट स्टूल रहता है या पानी जैसा रहता है, मतलब पतला रहता है? बंदी भी आती है एकदम पतली हलवे की तरह के सिर, कभी बंदी भी आती है सर, कभी लूज स्टूल टाइप का रहता है। आओ जैसा कुछ होता है, आता है चिकनी आती है सर। ओके। और नींद, नींद कैसी आती है? कितने बजे सोते हैं? 11 बजे सो जाते हैं। उठते कितने बजे? 8 बजे उठते हो? 10-11 बजे सोता है, सुबह 8-9 बजे उठता है। 8 बजे होते हैं। दिन में सोते हैं? दिन में कितना सोता है दोपहर? कभी नहीं सोता आज तक, पहले सोता होगा, पहले कितना सोते थे? 2-3 घंटे। कब से बंद किया है सोना दिन में? 2 महीने हो गए सर बंद किया, बाकी दोपहर में सोता है 2-3 घंटे सोता है। पहले सोते थे, अभी 2 महीने हो नहीं सोते। ओके। और क्या काम, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ अभी 10th क्लियर किया है सर। 10th क्लियर है। अभी कुछ स्ट्रेस है कुछ ऐसा? चिंता वगैरह ज्यादा रहती है तेरे को? चिंता क्या चिंता रहती है? चिंता रहती है सर इसको। किसके लिए? वो हेल्थ के लिए, मतलब स्किन के लिए बोल रहे हैं? हाँ, स्किन होती है ना ये कब सही होगी। हाँ, उनका डाइट थोड़ा पूछिए, क्या सुबह से शाम तक कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, क्या लेते हैं? सुबह चाय लेते हैं, ब्रेड बिस्किट लेते हैं जी। फिर खाने में कितने बजे ब्रेकफास्ट, कितने बजे होता है, कितने बजे लेता है खाना? 10 बजे नाश्ता लेते हैं और खाना 12 बजे खाते हैं, 12 से 2 के बीच में खाना खाते हैं। शाम का खाना 5 से 9 के बीच। लंच में यूजुअली क्या होता है ज्यादातर, क्या खाने में होता है? दही, अरबी, आलू, हरी सब्जियां वगैरह, ये सारा जो बनता है नॉन वेज। राइट। फिर इसके बाद 12 बजे के बाद फिर चाय के साथ बिस्कुट मीठा लेते हो, नमकीन लेते हो? नमकीन भी मीठा भी कभी भी आ जाता है। खाने में रात को खाने में दाल चावल जी। फिर रात को डिनर में दाल चावल वगैरह जो सब्जी बनती है सर, वही अचार वगैरह लेते हो? 9-10 बजे लेते, 9-10 बजे खाना खाते हैं, 8 से 9 के बीच में लेते हैं सर। ओके ठीक है, ठीक है। फिर और किसी को प्रश्न, और किसी को पूछना है जी? जी विरुद्ध आहार के बारे में पूछिए। और सीमा जी कुछ पूछना चाहती हैं? पेशेंट की सर, पेशेंट की लेफ्ट आई में ब्लिंकिंग मूवमेंट ज्यादा है, इनकी बात कब से है ऐसा? तो अभी हुआ है जी? मैडम दोबारा बोलिए सर। पेशेंट की लेफ्ट आई में ब्लिंकिंग मूवमेंट ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसको बचपन से है ऐसा या अभी हुआ है? आपकी इधर वाली आंख जो लेफ्ट आई, बचपन से ही है ये? बचपन से ऐसे ज्यादा होती है? हाँ बचपन से ही होती है सर। इनकी जीवा नहीं है सर, आपने जीवा दिखाई? पूरा पूरा खोलो, मुंह पूरा खोलो, पूरा खोल, सुपारी दूध क्या, पूरा ओपन करो, टांग निकालो बाहर, एक मिनट सर, निकाल के बोलना है, आवाज निकालना है।
क्या सुपारी खा रहे हैं क्या? हाँ, उसको थूकने के लिए बोला है। डॉक्टर अनिश जी आप कितने हैंडसम हैं। थैंक यू सर। मुंह खोल के दिखो, पूरा मुंह खोल के आवाज करो। हाँ, लाइट में हो थोड़ा सा। जी बाहर, जी बाहर निकालो, जी 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 टोंग ने बाहर निकालो। निराम ही लग रही सर। निराम लग रहा है लेकिन मल प्रवृत्ति चिपका चिपका होता है। 8 बजे बच्चा उठता है सर। ये दोनों कान के पीछे है, इसके दोनों कान के पीछे है ये जो सोरियासिस है। हाँ, दोनों कान के पीछे है। स्ट्रेस में था क्या बहुत दिन से? स्ट्रेस में था क्या बचपन में? कोई चिंता वगैरह इसके अलावा कुछ चिंता में रहता था? पापा वगैरह काम काम का या कुछ कान के? दादाजी बीमार रहते थे उसकी चिंता रहती थी थोड़ी बहुत। उसके बाद बढ़ गया ना? नहीं, 2 साल से ही है सर इसको। जब तू चिंता कारण होते है, आपको तक्र धारा करना बहुत जरूरी है इनके लिए। ठीक सर। और कोई केस केस के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम बताएंगे। डॉक्टर अनिश आज इसमें सोरायसिस का क्या कार्डिनल सिम्टम मिला आपको? स्केल के अंदर ये है और सारे स्किन के अंदर भी वो सोरायसिस वाले प्लाक सोरायसिस होता है ना, उस जैसा लग रहा है। वैसे सिल्वरी फ्लेक्स हैं इसमें? हाँ, स्काल्प में है। ज्यादातर गर्मी में होता है, गर्मी में ज्यादा होता है। सर्दी के अंदर सिर्फ सर में रहता है, बाकी और सर्दियों में केवल सर में रहता बता रहे हैं सर। स्वेद प्रवृत्ति सर। पसीना कितना आता है? बिना खाए आ जाता है कि कुछ काम करने में मेहनत करने पे आता है? कैसे आता है? और वैसे तो नहीं आता अचानक, खाना खाते वक्त पसीना ज्यादा आता है। स्वेद प्रवृत्ति केवल वर्कआउट पे ही है। डॉक्टर साहब। हाँ सर। अनिश जी। हाँ सर। ये जैसे बता रहे थे इनको अपने आप ठीक हो जाता है, तो ये ठीक अपने आप होता है या कुछ दवाई लेते हैं? अपने आप ठीक होता है कि कुछ दवाई लेने से अपने आप ही हो जाता है? अच्छा, इनको ये पीछो ये पर्टिकुलर किसी सीजन में अपने आप ठीक होता है और किसी सीजन में अपने आप ये वापस से एग्रीवेट हो जाता है, ऐसा कुछ है? ये कह रहे हैं सर्दियों के अंदर केवल सर में रहता है, बाकी स्किन पे ठीक हो जाता है। गर्मियों में पूरे स्किन पे और सर में सब जगह आ जाता है। गर्मी पे? अच्छा, इनको किसी एक जगह से शुरुआत होती है या एक साथ पूरे शरीर में होता है? एक जगह होता है कि सब जगह होता है? एक साथ में होता है सर। अच्छा, दूसरा ये अभी बता रहे थे जैसे दाल चावल ये लेते हैं, तो दाल कौन सी उड़द की खाते हैं, कौन सी दाल खाते हैं? दाल सर वो जो लोकल घर में बनती है, मसूर की, मूंग की, जो भी खिचड़ी में डलती है, चावल वगैरह सारी दालें लेते हैं। नहीं, ये कौन सी खाते हैं इनको? एक बार कौन सी दाल, कौन सी दाल खाते हैं? चने की दाल ज्यादा पसंद है सर। और ये खट्टे कितना इंटेक है सर? और फ्राइड पापड़ का कितना इंटेक है? पापड़ लेते हैं, पापड़ की खिचड़ी वगैरह बन जाती है, वीक में एक दो बार तो ले लेते हैं। नहीं, फ्राइड रहता है क्या? या नहीं, इसको खट्टी चीजें पसंद है क्या? खट्टी चीजें पसंद है? इसमें क्या क्या खट्टे में क्या क्या पसंद है? खट्टे की गोलियां वगैरह? हाँ सर, खटाई लेता है थोड़ा पदार्थों का अधिक सेवन करने का। मिर्च मसाले तो घर में अच्छे बनते हैं, मसाले तो बढ़िया ही खाते हैं सर। ये 2 साल से उनकी उम्र के 2 साल से है, तो उनकी एज की 2 साल उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनकी माता ने कुछ गरीबी अवस्था में रस दुष्टि के कुछ हेतु सेवन किया है क्या, वो भी देखना पड़ेगा सर उसमें। ठीक है मैडम, देख लेंगे। ठीक है, आप पेशेंट को अभी छुट्टी दे दीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बच्चा इरिटेट ना हो जाए। ठीक है सर। क्रीमी की हिस्ट्री पूछे ना? आप ही पूछे ना। कीड़े वगैरह तो नहीं निकलते लेट में? पहले निकले थे 3 साल पहले निकले थे। हाँ, क्रीमी की हिस्ट्री है मैडम सर। पहले क्रीमी पर ट्रीट करिए ना फिर। ठीक है। और कुछ पूछना है मैडम पेशेंट को, फ्री कर दें? हाँ सर, ये जो आपने पूछा ना इनसे कि चिकना मल आता है, इनसे ये पूछिए कि कॉट में लगा रह जाता है क्या फ्लश करने के बाद, क्योंकि वो चिकने का मतलब कुछ और भी ले सकते हैं कि वो स्मूथ आ रहा है ऐसा करके। तो इनसे ये पूछिए कि वो ऐसे पॉट में चिपका रह जाता है क्या?
हेलो हाँ हाँ मैडम हाँ जी सर मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार ये पूछिए इनसे कि इनका जो मल ये त्याग करते हैं उसके बाद फ्लश करते हैं तो वहीं स्टिकी स्टूल आता है या तो इजीली वो क्लियर हो जाता है वहां से? नहीं वो स्टिकी आता है मैडम, थोड़ा सा बनता है स्टिकी आता है। ठीक है अब क्लियर हो गया। ठीक है सर, दूध दही कितना लेते हैं सर? दूध परिवार में माता पिता का भी था क्या सर पहले? मुकेश जी थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। जी सर, परिवार में सर माता पिता का भी किसी को था सर परिवार में? सर अनीश जी का हैंग हो गया लगता है। फैमिली हिस्ट्री है क्या सर? घर में किसी पहले परिवार में किसी को हुआ है सर स्किन डिजीज कुछ इस तरह की? नहीं किसी को नहीं, किसी को ही। ठीक है, और किसी को पूछना है तो जल्दी पूछिए, बच्चा इरिटेट ना हो जाए, हमें आगे बढ़ना है। सर क्या पढ़ाई हुई करता है सर? हाँ टेंथ पास किया अभी सर उन्होंने। अच्छा जी जी, घर में ऐसा कोई काम तो नहीं होता जैसे मूर्ति बनाने का या कोई? नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं कोई भी काम। दूध दही कितना लेता है सर ये? दही लगभग रोजाना दही लेता है ना? हाँ रोजाना इंटेक है दही का। कितना कटोरी? एक कटोरी दो कटोरी? ये भी एक हेतु है दही खाना है, 4-5 चम्मच दही लेता है रोजाना सर। शाम को भी लेता है सर? रात को तो नहीं लेता दही, रात को नहीं लेता सर। देखिए ये एक हेतु मिल गया। और सर ये नशा में क्या करता है? तंबाकू वगैरह क्या खाता है? तो गुटखा खाता है क्या? सुपारी खाता है, मीठी सुपारी। तंबाकू तो नहीं, गुटखा तो नहीं? नहीं गुटखा नहीं। सर मैदा और चने की दाल वगैरह ज्यादा खाता है क्या? चने की दाल पसंद है इसको। चने की खाते सर मुझे लगता है एक बार उनकी मदर को भी बुला करके उनसे भी उनकी हिस्ट्री लेना चाहिए क्योंकि इनको 2 साल से है ना, 2 साल की उम्र से। हाँ तो वहां से भी कुछ हेतु मिल सकता है ना, तो एक बार मदर इनकी क्या पूरा डिटेलिंग भी बता सकती है बच्चे का बहुत सारी चीज। सर ये कह रहे कि आलस बहुत रहता है शरीर के अंदर, काम करने का मन नहीं करता है, सुस्त। सर सर्दी लक्षण है क्या उनमें वो पूछे ना? उल्टी वगैरह आती है? नहीं उल्टी का तो, सर्दी का तो नहीं। सर दिन में सोना है? दिवा स्वप्न? हाँ हाँ दिन में, पहले 2 महीने पहले तक तो 2 घंटे रोज दिन में दिवा स्वप्न था। एलोपैथी में स्टेरॉइड वगैरह खाएं क्या सर ज्यादा? हाँ बचपन से सभी दिल्ली में रहते थे, अभी यहाँ आ गए तो वहाँ पे सभी जगह स्टेरॉइड दिए, मैंने देखी थी इनकी हिस्ट्री, स्टेरॉइड वगैरह भी देते थे इनको। ठीक है तो बच्चों को अब जाने देते हैं, आधा घंटा से हो गया केस देखिए। सर जुखाम एनी टाइम रहता है ये भी बोल रहा है। अच्छा हेलो लेज काफी है। डॉक्टर गौरव कुमार जी आप इधर बता ही दीजिए ना, आपने जो लिखा है, आप लोगों ने जो चैट बॉक्स में लिखा है यहाँ बता दीजिए। ठीक है तो अभी बच्चे को आप रिलीव कर दीजिए, हम लोग अब डिस्कस करते हैं। हरिओम सर आप आएंगे? डॉक्टर हरिओम सर सुन रहे थे क्या केस? शायद हरिओम सर खाना खा रहे हैं। आप लोग अब चिकित्सा बताइए कृपया, हेतु और संप्राप्ति क्या समझा आप लोगों को, संभाषा कैसे होगी अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो? डॉक्टर आकांक्षा जी आप बोलिए। सर सर थोड़ा डिस्टरबेंस होगा तो मैं थोड़ी देर में कनेक्ट होती हूँ ओपीडी में। डॉक्टर रुचि सागर जी आप बताइए चिकित्सा। डॉक्टर जी सर बताइए। पहले तो इनका विरुद्ध आहार है, दही सेवन हो गया और चने की दाल हो गई, चने की दाल से बने जितने बेसन वाले पदार्थ हैं इनको वो सब छोड़ना पड़ेगा जी।
उनका मेन हेतु दही और ये चने वाली चीजें खाना है, बाकी जो चीजें और हैं उनका विरुद्धार, नमक मिर्च ये सब बंद करना पड़ेगा, इनको खट्टे पदार्थ जितने हैं वो सारे बंद करने पड़ेंगे जी। और शिरोधारा मतलब पूरे सर्वांग शरीर में इनको तक्रधारा करानी पड़ेगी, एक रक्त मोक्षण कराना पड़ेगा, बाकी रक्त रक्त शोधक चिकित्सा देनी पड़ेगी जो मैंने अभी तक पेशेंट में दी है। उसमें मैंने बृहद दंती फलादि तेल लगाने को दिया है, कटोर कटोर हरदी कषाय पीने को दिया और रक्त पाचक दिया साथ में, और केरला आयुर्वेद की निमादी बटी आती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर इसमें जी। रक्त मोक्षण किस कोई पर्टिकुलर एरिया से करना है, रक्त मोक्षण कहाँ से करवाएं, किस एरिया से? वाइटल वेन से कर लीजिए राइट हैंड से, उससे काफी आराम मिलेगा। कहाँ से सर मैडम? वाइटल वेन राइट हैंड। बाकी रसमाणिक गंधक और खदिर मंजिष्ठा आवि हरी मुस्ता और अनंत और विडंग इनका एक योग बना के दीजिए और उनको आधा आधा चम्मच सुबह शाम देने को बोलिए। चैट बॉक्स में लिखिएगा रक्त मोक्षण का साइट है ना, वो समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके सर मैं लिखती हूँ। रक्त मोक्षण करने के पहले उसको कुछ घृतपान वगैरह कराना पड़ेगा कि ऐसे ही कर सकते मैम? थोड़ा सा मीठा खिला के और तुरंत कर दीजिए, और एक विरेचन देना पड़ेगा आपको, वो महातिक्त व्रत से दे देंगे तो चलेगा। महातिक्त व्रत 3 दिन या 7 दिन सेवन करा के और फिर विरेचन योग देके विरेचन करा दीजिएगा। और कोई बताना चाहे बता सकता है ट्रीटमेंट? डॉक्टर गौरी जी आपने केस सुना क्या? सर कृमि की हिस्ट्री है इसकी और क्लेश जन्य संपत्ति है, तो इसकी वजह से इसको जो भी ट्रीटमेंट अभ्यंतर देना या बाहर जो भी ट्रीटमेंट देना सिस्टमेटिक वे में अगर, क्योंकि संपत्ति बहुत पुरानी है, आज 16 साल और 2 साल का वो बेबी है, तो कहीं ना कहीं मातृ रस दृष्टि से शुरुआत हुई होगी, फिर रस रक्त मांस और त्वक दृष्टि बीच अपने को प्रेजेंट हो रही है, तो ऐसे बहुत लीन दोष का संपत्ति है, तो शोधन बहुत अच्छे से काम करेगा जैसे मैडम ने बताया, तो वैसे लेकिन संप्राप्ति कैसे भंग हो रही है उसके हिसाब से इन्होंने चेंज करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है विडंग और जो अभ्यंतरपान है उसमें भी द्रव फॉर्मेट में भी और अरिष्ट फॉर्मेट में भी देना चाहिए, क्योंकि अग्नि मंद है तो दोनों भी काम करेगा, वो कृमिघ्न भी काम करेगा और इसको रेगुलर दीपन रहे जिसकी वजह से इसका, क्योंकि जब तक मल प्रवृत्ति अपान पे काम नहीं होगा तब तक इसका, क्योंकि ये बोल रहा है कि कुछ भी दोष नहीं है तो इसका मतलब दोष लीन है, या फिर जिसे बोलते हैं कि बहुत त्रिदोषक जो भी चिकित्सा है उस, इसमें अगर हम दे बस कषाय और रुक्ष चिकित्सा थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाकी के भी सिम्टम है, वो जो पित्त प्रकोप कुछ हेतु है उसके, उसको तो भी सुबारी वगैरह बोला ना वो, उसके बाद में कफजन्य दिवा स्वाप ये स्ट्रिक्टली उसके अवॉइड करके और उसके खान पान में भी थोड़ा सा लेखन जिसे बोलते वैसे अनुपान या द्रव्य ऐसे ऐड करने चाहिए जी। बहुत अच्छा बताया आपने, और कोई बता सकता है क्या मैडम? जैसे पेशेंट अनुरिता मैडम, हाँ बोलिए ना। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्ते। जैसे उस बच्चे ने बताया कि उसको जैसे सर्दियों में ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु आती है वो हो जाता है, ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है सर? इसके जो हेतु है, जो ये बोलता है ग्रीष्म ऋतु में इसका ऑटोमेटिक कफ का भी लयन होता है, क्लेत का हल्का सा पाचन होता होगा जिसकी वजह से इसको जो भी है वो लाक्षणिक कुछ उपशम मिलता है, लेकिन जैसे सर्दी वगैरह रहता है उस इसमें कफ का प्रकोप हो जाता है तो इसके और दोष जो बढ़ते हो गया। दूसरा जैसे नहीं, नहीं, आपने उल्टा बताया, आपने उल्टा बताया। सर्दी में कम हो जाता है मैडम, पसीना आता है, गर्मी आती है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं मैंने उल्टा सुना, मैंने उल्टा सुना। एसिड जो रहता है वो उष्णता जन्य होता ही है, पित्त का प्रकोप होता ही है, हीट रहता है। सर इसकी स्वेद का क्या बोला, ये स्वेद की प्रवृत्ति कैसे बोली इसने? स्वेद प्रवृत्ति जब होती है ना तो इसका बढ़ जाता है। वर्कआउट के स्वेद पर करती है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है नॉर्मल में, जब वो एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब फिजिकल लेबर, तब इन दैट टाइम वो स्वेट आता है, अदरवाइज नहीं आता नॉर्मली। नहीं सॉरी सर मैंने उल्टा सुना था, तो ये उसका वही है जिस सर ने बताया।
लेकिन इसमें सर इसको यदि थोड़ा सा ग्रहण करा के और सर दो जी जी मैम जी मैम प्लीज बताएं सर विरेचन या वमन करा देना तो बहुत अच्छा हाँ, वमन और नहीं, वमन, वमन कराए सर मैं कह रहा हूँ इनको अगर इनको मृदु सद वमन कराए और इनको ग्रहण कराए ऋतिक रसों के साथ तो मैं समझता हूँ ज्यादा फायदा होगा बराबर है मैडम मेरे को भी कुछ पूछना है और इनको जो है मृदु विरेचन रेगुलर मृदु विरेचन भी अपन इनको दे सकते हैं अमलतास वगैरह का जैसे कुछ भी अमलतास अवले दे सकते हैं या अमलतास का कोई भी खीर बना कर दे सकते हैं वो भी बहुत फायदा करता है इसमें और एक इनको रसायन अपन साथ में देते हैं है ना तो हाँ तो ये चीज मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगी इसकी जैसे मैं एक योग देता हूँ ऐसी डिजीज में आप देख देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो एक अश्वगंधा पाउडर और गिलोय पाउडर दोनों संभाग लेकर के एक चम्मच शहद और आधा चम्मच घी के अनुपात उसमें वापस कर दिया अनुपात में मिलाकर के देते हैं सुबह शाम मैडम मेरे को पूछना है हाँ आप पूछिए पूछिए सर मैडम ऐसा मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ राजकोट से जी बोलिए तो मेरे को है ना 6 साल से किडनी की प्रॉब्लम है सीकेडी बीसीसी में सर एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज आपका हम केस बात करेंगे फिर एक कॉल हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे सर एक बार अशोक मित्तल जी का कंप्लीट होने दीजिए प्लीज जी गुप्ता जी अभी लेते हैं आपको एक बार आप रुक जाइए ना हम आपको लेंगे सर थोड़ा देर बात लेंगे सर हाँ मैं वही कह रहा था कि इसमें हम जी सर मैं बोलिए ना सर आप बोलिए सर आप बोलिए हाँ हाँ मैं जो बता रहा था योग उसमें मैं जो देता हूँ अश्वगंधा चूर्ण और गिलोय चूर्ण दोनों संभाग में लेकर के एक चम्मच शहद और आधा चम्मच घी के अनुपात में सुबह शाम देते तो इसमें काफी ऐसे केसेज में फायदा मिलता है बाकी तो वो सद्दो बमन और रेगुलर ब्रेचन में मैं करता हूँ सर का आवाज कट गया सर आवाज कट गया मेरा नेट में चैट लिख के दे आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर हाँ मैं लिख दूंगा मेरा ये नेट हेलो बोरा में बाद में लिख दूंगा जी ठीक है हाँ सर बोलिए हरिओम सर बोलिए सर आपका भी आवाज क्लियर आ रही है आवाज हाँ अभी आ रही है सर हाँ सर का आवाज ही गायब हो गया हरिओम सर आपकी आवाज ही गायब हो गई वो नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं डॉक्टर मिनल गुप्ता जी आप क्या देंगी सोरेसिस में क्या देंगी आप प्रणाम सर प्रणाम बताइए क्या देंगी आप सर जो शोधन के बारे में बताया सर मैं भी सबसे पहले शोधन से ही शुरू करती हूँ वमन और विरेचन दोनों कराने के बाद में मैं सर इसमें उसके बाद में रक्त मोक्षण जरूर कराती हूँ रक्त मोक्षण का इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है रक्त मोक्षण मैं जलोका से लेती हूँ और शोधन प्रक्रिया खत्म करने के बाद में मैं इसमें ओरल मेडिसिन शुरू करती हूँ अमृतादि गुगुल है केशर गुगुल है और महामंजिष्ट आदि काढ़ा खदरा रिस्ट ये होता है सर एक पाउडर कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं उसके अंदर हम देखते हैं ईचिंग के हिसाब से अगर ईचिंग है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो गंधक रसायन रस माणिक्य और महानिम्बादि चूर्ण करके होता है वो एक कॉम्बिनेशन में डालती हूँ महामंजिष्ट आदि इसमें भी यूज़ करती हूँ सर तो ये पाउडर कॉम्बिनेशन बनता है उसके अंदर गिलोय सत्व भी जरूर ऐड करती हूँ सर ने बताया गिलोय सत्व का काफी अच्छा इफेक्ट आता है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग के और सर आपने तकरधारा जो बताई वो मैं कंटिन्यूस 21 डेज लेती हूँ क्योंकि तकरधारा का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कम करना और उसके अलावा स्कैल्प की जो सोरेसिस है उसको कम करने में तकरधारा का बहुत अच्छा इफेक्ट है उसमें मैं आंवला और मुस्ता का क्वाथ बना के उसको तकर के संग ओवरनाइट जमा देती हूँ और नेक्स्ट डे उस तकर को यूज करती हूँ और उसमें पूरा अभ्यंगम के साथ हम तकरधारा देते हैं तो प्रॉपर स्वेटिंग होता है पेशेंट को अच्छा सा उसका सारे जो है वो रूम कूप जो है वो ओपन हो जाते हैं और उसके बाद अभ्यंगम देती हूँ और अभ्यंगम के बाद में मैं उसको घृतपान कराती हूँ वो 5 डेज घृतपान करने के बाद उसको वमन फिर संसर्जन कर्म फिर उसके बाद 1 वीक का फिर विरेचन के लिए 5 डेज का घृतपान और फिर विरेचन
ये मेरा 2 वीक्स का तक्रधारा के साथ साथ लगातार चलता है सर, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है सर सोरेसिस के पेशेंट्स में। पर ये शोधन प्रक्रिया हमें कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करनी पड़ती है। एक बार शोधन करा लिया तो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा सोरेसिस, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो दोष है उनको हमें थोड़ा सा रिपीटेडली क्लीन करना पड़ता है, ये जरूर है सर। पर इफेक्ट जरूर आता है शोधन करने के बाद अगर आप श्रवण क्रिया कराते हैं सोरेसिस वाली या फिर ऐसी कोई भी क्रोनिक स्किन डिजीज के अंदर। जी आपने बहुत सही बताया, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए बोलिए। ऐसा है ना सर, इसकी जो हिस्ट्री है कि हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, हाँ सर बोलते रहिए, आ रही है आवाज। सर कट रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही। लीव हो गए। हाँ ठीक है, बताइए। बोलिए कोई और, बोलिए जीना त्रिपाठी जी आप बताइए। सर कोई गोमूत्र यूज करता है क्या ऐसे, मतलब वहां पे कंडू कम है एक्चुअली, लेकिन रक्त दृष्टि काफी है और बहुत क्रॉनिक है। चामृत यूज कर सकते हैं लेकिन गोमूत्र का यूज नहीं होता है, गोमूत्र से बढ़ जाएगा वो, क्योंकि वो क्षार होता है ऑलरेडी इसको ना, पित्त के वजह मतलब हीट जब बढ़ती है। हां बराबर पित्त की वजह से है, इसकी वजह से ये नहीं, लेकिन गोमूत्र का सोरियासिस में यूज कभी नहीं। मैम व्हाइट स्पॉट में तो काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, सोरियासिस में गोमूत्र नहीं अलाउड, नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। हां करंज तेल, करंज तेल से फायदा होगा, बराबर है सर। लेपन क्यों दिया जाएगा इसमें? वमन देना है तो मदर को चाटन करा दीजिए, यष्टि मधु का फांट 1 लीटर पिला के सद्यो वमन दे सकते हैं ना सर। वमन क्यों मतलब? हर स्किन डिसऑर्डर में वमन पहले चिकित्सा होती है, कंडू रहता है ना सर, कंडू इज अ बेसिक। हां जी, हर स्किन डिसऑर्डर में वमन ही सबसे मेन चिकित्सा होती है सर। सर ठीक। हां क्योंकि कंडू है, क्लेद है, तो हमें कफ दोष को निकालेंगे तभी तो फायदा होगा मेन। राइट सर, बच्चों में वमन कैसे देंगे सर? 1 लीटर जष्टि मधु का फांट पिला दीजिए, मृदु बमन पाउडर हनी के साथ, और थोड़ा देर बिठा दीजिए। मैंने कराया सर के, सर की गाइडेंस के मैंने एक 4 साल की बच्ची का वमन करवाया था सर के बोलने के बाद। कैसे कराया सर? उसमें संतरे का उसका रस पिलाया था मैंने, उसको संतरे का रस पिलवाया था सर, उसको संतरे का रस पसंद था तो संतरे का रस उसको मैंने भरपेट पिलाया, और सिर्फ उसको 2 ग्राम मतलब ही मदन फल दिया मैंने, और उससे उसका वमन हुआ सर। मैं मधुयष्टि मैंने डाला था सर। कहना जो बच्चों को जो जूस पसंद होता है वो युक्ति पूर्वक हम वो देते हैं। हाँ, क्योंकि उसको संतरे का यूज़ करना पड़ता है, जमदग्नि सर ने सिखाया। सर विरेचन तो बहुत आराम से ले लेते हैं मैम, बच्चे तो बच्चे के लिए, बच्चों के लिए तो मैं बता रही हूँ आराम से ही ले लेते हैं। कराना पड़ेगा ना मैम? है मैम, घृतपान कराना पड़ेगा ना पंचतिक? हाँ घृतपान पंचतिक का कराती हूँ मैम, मतलब कि जो मेरा पेशेंट चल रहा था वो 4 साल का बच्चा था, उसको बहुत समय से एलर्जी थी, स्किन एलर्जी यही चीज थी, उसको हर सीजन में रियप होता था, तो उसकी मदर उसको इवन मॉर्निंग में ही गर्म पानी के संग मिक्स करके और थोड़ा सा उसमें मतलब देना तो नहीं चाहिए पर वो कॉफी का उसके संग फ्लेवर डाल देती थी, तो कॉफी की जैसे करके वो घृतपान उसको कराती थी उसने। पर बच्ची ने पूरे 5 डेज घृतपान लिया और विरेचन प्रॉपर कराया उसका मैंने। मैम वो कॉफी का क्या किया आपने? मैंने नहीं किया मैम, वो उसके पिलाने का एक चीज के ना प्रविचारणा थी, प्रविचारणा थी वो एक, वो कॉफी के फ्लेवर के संग घृत पी लेती थी, तो उसमें बस स्लाइट सा कॉफी का टिंच डाल देती थी उसकी मदर और गर्म पानी के संग मिक्स करके उसे देती थी, बट मुझे घृत पहुंचाना था उसके पेट के अंदर तो मैं उसको अलाउ करती। मैडम आप बृहदंती फलादी यूज करते हैं ना, आप करंज तेल यूज किए कभी सोरियासिस? नहीं मैम, मैंने आपसे कहा ना मैं करंज तेल बिल्कुल बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप इस बच्चे पेशेंट बहुत है मेरे पास, मैं अभी तक तुंडपाल का तेल यूज करती हूँ क्योंकि वो प्लांट है मेरे पास, मैं तुंडपाल ऑयल यूज करती हूँ उसके लिए। तुंडपाल ऑयल? हाँ वो मैं साउथ से ही लाई थी मैम प्लांट। अय्यपाल केर तेलम आता है ना? हाँ अयप्पा केर तेलम मैं कुटकल का मंगाती थी पर अब मैं वो सेम अपना बना लेती हूँ तो मुझे उसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन करंज तेल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा इसको क्योंकि इसका। हाँ मैम सर ने बताया है। हाँ मैम अगर इसमें तुवर्रक तेल यूज करें तो कैसा रहेगा? कौन सा? तुवर्रक तेल, तुवर्रक तुवर्रक चाल मोगरा का भी नाम सुना है। हाँ बिल्कुल, और ये है कुछ रोग अधिकारी है वो भी। स्किन डिसऑर्डर में देते हैं उसे। तुवर्रक तेल कषाय रस प्रदान रहेगा ना जी, तो यूज कर सकते हैं मैम जी।
कोई और भी बोलना चाहता है? हाँ प्रणाम सर, लॉ क्वेश्चन। हाँ आप तो स्वर्ण प्राशन का डेट बता दिए, भेज दिए, तो आप शनिवार को बनाएंगे कि संडे को बनाएंगे? मैं सात को बनाऊंगा सर, सात तारीख को ही। हमें क्या करना चाहिए आयुष दर्पण वालों को, आप बताइए कि सात को बनाए कि आठ को बनाए? अब ये आप जैसा करना चाहें सर। एक्चुअली मैं देखता हूँ इम्यूनिटी मॉइश्चर, एक क्वेश्चन था, पुष्य नक्षत्र तो सात तारीख को है और संडे को तो आठ बजे खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं सर, इस टाइम पर सर वेदर बहुत ज्यादा, आठ तारीख से, हाँ सात को आठ तारीख से, आठ बजे से शुरू होके नौ को, आठ को शाम तक है, तो वैसे सही समय जी आठ को सुबह कर सकते हैं। और जैसे अभी वमन की बात हो रही थी बच्चों में, तो जाइलोकेन आता है 2%, बच्चों को थोड़ा सा जीभ पे लगा दें और थुकवा दें, तो फिर उनका जो टंग है वो सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद घृतपान आराम से करा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चों को कराना हो तो ये कर सकते हैं। और मैम कुछ पूछ रही थी, बताएं। हाँ सर, जैसे कि अभी नॉर्थ में इस टाइम बहुत ज्यादा वेदर रेनी हो रहा है सर, मुझे लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुआ था उसको बनाते समय, बार बार एसी के अंदर ही रख के बनाना पड़ा, पर वो बहुत ही मुश्किल से बनके सर, इस वेदर में हम मतलब बनाना शुरू करें या फिर, क्योंकि वो कम से कम 6 घंटे घोटने के बाद ही एक कंसिस्टेंसी आ पाई थी, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा घी अलग और वो अलग हो रहा था, तो सर ये अभी बनाना फिजिबल रहेगा हम लोगों के लिए? बनाना देखिए ह्यूमिडिटी से तो मॉइस्चर लगने, अगर एक एक महीना डेढ़ महीने में यूज करना है उसना, तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मॉइस्चर तो लग ही जाएगा, आप बच्चों को खिलाएंगे निकालेंगे तो मॉइस्चर तो लग ही जाएगा, लेकिन एसी वाले कमरे में बनाए तो ज़्यादा सही है, टेम्परेचर कंट्रोल करके ह्यूमिडिटी कम रहे तो बनाए। और दूसरा है कि अलग तो सेपरेट तो होना ही होना है, आप कुछ भी कर लें, कितने भी घंटे मर्दन कर लें, घृत अलग हो जाना है, शहद अलग हो जाना है, गोल्ड अलग हो जाना है, धीरे धीरे सब अलग हो जाना जी। सर वो बच्चे को सर वो 2 साल से वो मिट्टी से एलर्जी भी है बहुत, मतलब कोई मिट्टी वगैरह लग जाती है तो फिर सांस क्या है कि वे तेज हो जाते हैं, पंप लेना पड़ता है उसको। अरविंद सर। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, 2 साल से उसको क्या है कि अस्थमा की एलर्जी भी है सर, वो पंप लेता है अगर वो, हाँ उसको, हाँ सर। तो देखिए आप इसमें वमन कराएंगे ना तो दोनों में काम होगा सर, वमन दोनों में वर्क कर जाएगा। वमन, हाँ आप वमन करा दीजिए और फिर वमन के बाद में मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा। ये क्या अशोक मित्तल जी बोल रहे, पेशेंट इज वेटिंग सर, कौन सर? वो मैं बात हुई थी ना सर उस पे, उनको ले लें सर? हाँ ले लीजिए, राजकोट से जो है क्रॉनिक रीनल उसके है सर। अच्छा ले लीजिए सर, उनको ले लीजिए। ठीक है, गुप्ता जी आप हैं? और डॉक्टर अनिश जी पहले इनका वमन कराइए, फिर हम बाद में आते हैं, हम डिस्कस करेंगे। हेलो गुप्ता जी। ठीक सर, ठीक ठीक है। गुप्ता जी प्रणाम सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया सर एकदम। नमस्ते, एज बताइए, एज कितना है? एज मेरा 47 है और लगभग 6 साल से है ना मेरे को किडनी की प्रॉब्लम चालू हो गई है। अच्छा, अभी जब मेरे को मालूम चली थी तब मेरा ग्रेटर में उस समय 2.5 था। अच्छा, और अभी बढ़ते 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 11 तक पहुंच चुका है। अच्छा, अब ये बताइए आपको शुरुआत कैसे हुआ ये बीमारी? अब ये तो पता नहीं चला, खैर बीपी की वजह से हुआ कुछ तो, और कुछ सेरोडन गोली खाने की वजह से हुआ। बीपी कितने साल से सर? बीपी लगभग मेरे को होगा, लेकिन है 8-10 साल से बीपी, लेकिन मालूम चला मेरे को ये किडनी के 1 साल पहले से ही, और एकदम से सांस फूलने लग गई थी मेरी बहुत तेज थे, तब फिर टेस्टिंग कराया उसमें आया कि किडनी की प्रॉब्लम चालू हो गई है अपने को। और काम क्या करते हैं सर? काम तो मैं सिल्वर ऑर्नामेंट्स का है, बैठने बैठने का काम है मेरा, कोई मजूरी वाला काम नहीं है कुछ भी ऐसा। बैठने का काम, कोई हैबिट सर? नहीं हैबिट कोई नहीं है मेरे को, मैं बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू कोको कोला कैमरा कोला कुछ नहीं पीता हूं। सर आपका जब ये शुरू हुआ तब आपका खून कितना था, एचबी लेवल कितना था? अब उस समय एचबी लेवल मेरा 12.5 के करीब था, अब 8.5 है अभी। 8.5, वो तो आपका डायलिसिस हो रहा है ना अभी? नहीं अभी हुआ नहीं है, अभी आज ही मैं दिखा के आया डॉक्टर को, अब उन्होंने बोला है कल फिस्टुल लगवाने के लिए कि आप फिस्टुल... नहीं नहीं सर मत लगवाइए, आपको आपको फिस्टुला की वक्त नहीं आएगा, आप बस प्रॉपरली हिस्ट्री दीजिए यहाँ पे, आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप अगर फिस्टुला लगा के आप डायलिसिस करेंगे ना तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, जो काम कर रहा है वो भी बीमार हो जाएगा। आपका मूत्र मूत्र बनता है ना, आपको यूरिन होता है ना, भले थोड़े थोड़े होता होगा,
पर यूरिन हाँ? दो दिन से प्रॉब्लम हो गई है यूरिन, मेरे को है ना प्रेशर तो काफी बनना है यूरिन का, पर यूरिन एकदम आ नहीं रही है फुल प्रेशर। आएगा सर, आएगा सब आयुर्वेद। और कितना दिन से है ये? ये अभी दो तीन दिन से ही हुआ है ये प्रॉब्लम तो, और उल्टी हो रही है बार बार बार। और सर जो ये 2.5 से 11 बना है तो अभी एकदम सीधा और सच्ची बात करिएगा, आपको जब पता चला उस दिन से लेके अब तक आप सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट रहे कि आपने अपनी हैबिट भी चेंज किए, खाने की आदत, नमक कम करना, एक्सरसाइज? खाने की आदत भी मैं क्या है कि मैं बीच बीच में चेंज करता रहा, लगातार परमानेंट चेंज नहीं कर पाया क्योंकि वो एकदम घिया तोरी खा के मैं परेशान हो गया बीच बीच में। तो इसका मतलब आपने सारा जो भी जैसे खाना आपका चल रहा था वैसे खाना खाया, जब आपको बीपी पता चला तो उसके हाँ। बाद में आपने अपने बैठने का आदत बदल के कुछ व्यायाम या कुछ जिसे बोलते हैं आपकी तब्दीलियां कुछ की थी क्या? ये हाँ, ऐसे 11 हाँ, व्यायाम मैंने कुछ चालू किए बीच में, 1 साल चालू किया था फिर छोड़ दिया, अब फिर पिछले 1 महीने से चालू कर रखा है इस समय तो। अभी तो सिर्फ ये कंडीशन में सर आप व्यायाम मतलब आयसन जिसे बोलते हैवी व्यायाम नहीं कर सकते, आप सिर्फ नहीं और प्राणायाम कर सकते हैं जो मेरे को बता रखे है अपने एक डॉक्टर साईं संजीवनी है ना दिल्ली में, हाँ? तो उनका इलाज चल रहा है इस समय, तो उन्होंने ही मुझे एक वीडियो भेजा था उसका व्यायाम का, उन्हीं की वही व्यायाम करता हूँ इस समय। आपका रेगुलर कम से कम 15 दिन में आप क्रिएट यूरिया करते हैं ना, तो अभी जब आपको यहाँ से सारा गाइडलाइन मिलेगा हाँ। तो आप हर हफ्ते में 3 हफ्ते क्रिएट यूरिया वीकली कराइए, और दूसरा हाँ। अगर आप डायलिसिस कराएंगे तो उसका उपचार नहीं है, आपका जो किडनी थोड़ा बहुत काम करा है वो आप अभी मूत्र कृच के इसमें है तो हाँ। पक्का आपके इसमें सारी चीजें मिलेंगी, आपके हेतु मिलेंगे, तो इसकी वजह से आप बस फॉलो करिए जो भी यहाँ पे बताया जाएगा ना उसको फॉलो हाँ। करिए, और नमक सबसे पहले बंद करके सिर्फ अच्छा। हल्का सेंधा, वो भी टेस्ट के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ा सा न के बराबर, क्योंकि आपका हाइपरटेंशन इंड्यूस शायद किडनी फेलियर होगा। ओके हाँ। और आपकी रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, रिपोर्ट तो भेज दूंगा, रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सर मोशन कैसे होता है आपको, पेट साफ होता है बराबर से? मोशन ठीक हो रहा है, 2 टाइम जाता हूँ, सुबह भी जाता हूँ शाम को भी जाता हूँ। लेकिन जो जाते हैं तो समाधान कारक होता है? हाँ नहीं, वो तो फ्रेश होता हूँ मैं पूरी तरह से, मुझे कोई गैसेस की कोई तकलीफ नहीं। हाँ गैस तो है, थोड़ी बहुत गैस होती है, कभी कभी होती है लेकिन डेली नहीं है। और रात का खाना कितने बजे खाते हैं आप? रात का खाना 8:30 बजे खाता हूँ। 8:30 बजे, इसके पहले आप 2-5 साल पहले का हैबिट याद करिए तो, आप कितना बजे खाना खाते थे? उस समय 9:30-9:30-10 बजे तक भी खाना खा लेता था उस समय बराबर, तो और 9:30-9:10 बजे खाना खाते ही तुरंत सो जाते होंगे। हाँ तुरंत सो जाते। दिन में कभी सोने का आदत है आपको? दिन में तो डेली सोता हूँ, 20-22 साल हो गए मेरे को सोते सोते। तो क्या 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 दिन में 2 घंटे डेली सोता हूँ 20 साल से। ये भी एक हेतु है, ये बंद कर दीजिए, दिन में नहीं सोना है आपको, नींद आती है। राजकोट का रहन सहन है, आप किडनी को बचाना नहीं चाहते तो सोएंगे, असल में दिन में सोने से ही हो रही है सब आपका तकलीफ। सर आप खाना खाने के कितने घंटे के बाद में सोते हैं दोपहर में? आधा घंटा। और आप शायद बिजनेसमैन हैं बराबर ना? हाँ तो आप ऐसे समझिए कि जो खाना खाने के बाद के 3 घंटे है ना, वो 3 घंटे आपको कुछ ना कुछ काम करना है, आपके बिजनेस का जो भी है, भले बैठ के काम करे थोड़ा घूम के काम करे, लेकिन आपको 2.5 घंटे तक नहीं सोना है। और अगर आपको आराम करना है तो कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि आपको आदत 20 साल से आपने बोला बराबर है ना, तो इसकी वजह से क्या है ना सर, आपका खाना आपको लगता है कि बराबर से साफ हो रहा है, गैसेस थोड़ी बहुत ही बन रही है थोड़ी, लेकिन ये थोड़ी बहुत चीजें बढ़ते 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 आपके शरीर में मतलब डाइजेस्टिव पावर नहीं है, आपका जो अग्नि है वो पूरी तरह से दूषित हो गया, इस पे जब काम करेंगे आप पूरी तरह से इसमें से बाहर निकलेंगे, विश्वास करिए। और अच्छा। दूसरी चीज डायलिसिस करेंगे तो बाकी कुछ नहीं, जो हम बिना सहारे का चलते हैं, चप्पल पहन के शूज पहन के हम जॉगिंग करते हैं, उसकी बजाय कोई आपके हाथ में दो लकड़ियां थमा दे और बोले आपका पैर यूज मत करो और लकड़ियों के सहारे चलो, तो वैसे आपका जिंदगी हो जाएगा। अगर वो नहीं चाहते तो आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये करिए, क्योंकि छोटी बात नहीं, आपका यूरिया अगर 11 है तो क्रिएटिनिन आपका 90-100 से ज्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर भी आपका 150 और 90 के नीचे नहीं होगा, तो इस वजह से संपूर्ण। हाँ बोलिए। अब मैं 2 गोली खाता हूँ सुबह शाम की, ब्लड प्रेशर की हूँ तो उसकी वजह से। सर मैं आपको कुछ बताता हूँ सर। हाँ। आप एक चीज बताइए कि आपका जब ये बीमारी शुरू हुआ तो आपको जब यूरिन आता था तो आप उसको रोक के रखते थे बहुत देर तक? नहीं ऐसा तो नहीं था। अच्छा, लेकिन आपको सर जो ये हो रहा है ना, ये दिन में सोने की वजह से हो रहा है और लेट खाना खाने की वजह से हो रहा है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं ना कि आपका किडनी 100-150 साल तक ठीक रहे,
आपको ये डायलिसिस की बीमारी ना रहे। डायलिसिस कराएंगे तो मालूम है अभी पहले डॉक्टर बोलेंगे हफ्ते में एक बार डायलिसिस करो, फिर बोलेंगे दो दिन में करो, फिर बोलेंगे कि डायलिसिस ही रोज रोज करो, फिर किडनी ना श्रिंक हो जाएगा, जो किडनी काम कर रहा है वो भी काम नहीं कर रहा, फिर बोलेंगे किडनी का ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो जो अरुण जेटली थे जो मिनिस्टर थे और सुषमा स्वराज, वो लोग को भी कोई बचा नहीं पाया, किडनी ट्रांसप्लांट करके तो कोई नहीं बचता है, मतलब वो इम्यूनो सप्रेशन स्टेरॉइड्स दे देंगे आपको और फिर कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो इसीलिए ना डायलिसिस तक को जाइए मत आप। दूसरा क्या करिए कि आप सुबह सुबह कम से कम 6 बजे उठा करिए और ना हमारे साथ आया करिए, हम लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं, केवल आप उधर केवल सुनेंगे ना तो आपका आधा बीमारी निकल जाएगा। और दूसरा बात है कि सर सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए। क्या सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए, जैन लोगों जैसा शाम को सूरज पहले खा ले। अच्छा अच्छा अच्छा, सूर्यास्त के पहले खाना खा लीजिए और दिन में बिल्कुल नहीं सोना है आपको, ना जल्दी सो जाना है, 7-8 बजे सो जाइए अगर नींद ज्यादा आ रही है तो, लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं सोना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा डॉक्टर मित्तल जी आपके पेशेंट है ना ये? हाँ मेरे ब्रदर है सर, मेरे बड़े ब्रदर है ऐसा मान लीजिए। आपके बड़े ब्रदर है तो आप क्या क्या करिए मैं बताऊँ क्या? जी जी बताइए बिल्कुल। मैं शॉर्ट में चिकित्सा बता देता हूँ, एक तो इनको आम पाचक पट्टी दे दीजिए, एक दूसरा इनको रक्त पाचक मेदो पाचक दे दीजिए, ठीक है, और गोक्षुरादि गोकुल चंद्रप्रभा पट्टी दे दीजिए, ठीक है, और फिर इतना देने के बाद और अगर इनको वीकनेस वगैरह है तो सर्वतोभद्र रस दे दीजिए। हाँ वीकनेस भी है थोड़ी थोड़ी इस समय मेरे को। सर्वतोभद्र रस दे देंगे ना, रसकल्प नहीं है, मैंने जो भी बताया रसकल्प नहीं बताया कुछ भी, इतना दे दीजिए और सुबह उठ के इनको चरक के क्लास में लेके आइए, कोई डायलिसिस करने की जरूरत नहीं, एकदम ठीक हो जाएंगे, ठीक है सर, इनका बीपी भी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा सर। अभी ये रक्त पाचक आम पाचक चार चार गोली रखे सुबह से हम? दो दो दीजिए ना, 2 BD दो दो, ठीक है सर, 2 BD आम पाचक दे दीजिए, रक्त पाचक मेदो पाचक, क्योंकि रक्त के मेद रक्त और मेद से वृक्क बनाए। जी जी सर। तो वहाँ जो आम है रक्तगत आम है मेदोगत आम है उसका हम पाचन कर देंगे, स्त्रोत खुल जाएगा ना आम पाचक से भी, तो अपने आप इनका ब्लड सर्कुलेशन होगा किडनीज में और यूरिया क्रिएटिनिन ठीक हो जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर। इनका बस अग्नि पे चिकित्सा करना है, दीवा स्वाप बंद करना है और ये पेशेंट मतलब ये पेशेंट नहीं रहेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे पूरा। सर अर्जुन आयुष्य भी दीजिए इनको, अर्जुन शिवपाक दे दीजिए, अगर हार्ट में बीपी के काम करना है तो मुक्तावटी पतंजलि का आता है वो दो दो गोली दे दीजिए, और हार्ट पे और काम करना है तो नागार्जुन रस प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस एक दे दीजिए, लेकिन डायलिसिस पे बिल्कुल मत ले जाइए क्योंकि सर ये डायलिसिस बंद हो मतलब नहीं हो और ये किडनी वापस से रिवाइव कर जाएगी कैसे कुछ करके 100% हो जाएगी सर। सिर्फ 6 महीना आपको हमारी बात सुननी है जो आपने, और आपका किडनी डैमेज नहीं हुआ है, किडनी बीमार है बस, किडनी बीमार है डैमेज नहीं हुआ है, तो आप वहां जाके डैमेज क्यों कर रहे हैं, मशीन से सब यूरिन निकालने का क्यों कर रहे हैं इनका सर? जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रहा है अरविंद सर, हाँ सर, इनका जो ऑलरेडी मेडिसिन चल रहा है वो अभी अपन इनको बंद करता है एक बार। कौन सा? डाययूरेटिक अगर चल रहा होगा? नहीं एलोपैथिक भी चल रही है इस समय और हम आयुर्वेदिक भी चल रही है। तो एलोपैथिक की क्या चल रही है? बीपी की गोली तो बंद नहीं करना है अभी, ठीक है। अच्छा, और जो डाययूरेटिक दे रहे हैं वो क्या करते हैं, जबरदस्ती यूरिन कराता है, रिसेप्टर पे काम करता है सब, निचोड़ के निकालते हैं, उसे थकावट होती है बॉडी में, वीकनेस आता है, तो हम उसके बदले गोक्षुरादि गुकुल है, फिर ये चंद्रप्रभा वटी है, थोड़ा बस्ती दे दीजिए, बस्ती देंगे ना जैसे पहले दीपन पाचन देने के बाद आम पाचन होने के बाद इनको आप बस्ती में क्या दे सकते हैं, तो मुस्तादी अपन बस्ती अगर हो उसमें नॉनवेज आप लोग लेंगे या ना ले वो आपका ऑप्शन है, मुस्तादी अपन बस्ती दे दीजिए, फिर धनवंतर तेल या शीर बला तेल का बस्ती मात्रा बस्ती दे दीजिए, तो किडनी जो है ना पूरा एनर्जेटिक हो जाएगी। अगर शुगर नहीं है तो ब्रह्म रसायन खिला दीजिए इनको, शुगर नहीं है मेरे को, शुगर नहीं है, हाँ तो ब्रह्म रसायन खिलाइए ना, बहुत अच्छा एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। जी सर, जी सर, हाँ आपको किडनी फेलियर नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक सर, ठीक सर, एक ही रिक्वेस्ट है, इनका सारा जो भी असेसमेंट है ना, रीनल जो भी RFT है KFT है ये सब कुछ करा लीजिए सर, कार्डियक प्रोफाइल भी करा लीजिए और राइट फ्रॉम सोडियम इलेक्ट्रोलाइट से लेके BUN क्रिएट यूरिया लिपिड प्रोफाइल हीमोग्राम और स्पेशली इनका जो भी है क्योंकि आपने बोला है कि क्रॉनिक है 6 साल काफी हो जाता है तो विटामिन B12 और विटामिन D रखिएगा ताकि
जब इसके बाद में आप उनको भ्रूण चिकित्सा देते हो उसमें क्या करना है क्या नहीं वो भी पता चलेगा। और सर ने जो बताया ना वो लाइन लिख के प्रॉपरली इनको 6 महीने 8 महीने आयुर्वेदिक ही परिचर्या दीजिए तो सर आप स्वस्थ हो जाएंगे। कितने हैंडसम है कितने अच्छे हैं पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। जी जी सर। और एक और सर मैं बात बताऊं क्या आजकल जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है डायलिसिस पे रख देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आप एसी मत चलाओ फैन चलाओ। दूसरा आप पानी केवल आधा लीटर पियो दिन भर में 1 लीटर पियो उससे ना बॉडी को पानी नहीं मिल रहा है तृष्णा इतना लगता है लोग और उसके वजह से पेशेंट मर जा रहे हैं आपको पता नहीं है। ऐसे आप देखिए सर्वे करिए डायलिसिस शुरू होता है ना तो एकदम मना कर देते पानी नहीं पीना 1 लीटर पानी पीना है क्योंकि किडनी को लोड नहीं पड़ना चाहिए लोड नहीं पड़ना चाहिए सही है सही है। शरीर में पानी नहीं जाएगा तो इंसान को क्या करेगा तड़प तड़प के मर जाएगा वैसे मर जाएगा पानी के बिना तो। हाँ मैंने इतने बहुत सारे पेशेंट देखे जो डॉक्टर लोग के गलत ट्रीटमेंट की वजह से मर रहे हैं। सर इनका जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा उसमें अगर स्टैटिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है। और इनको स्ट्रिक्टली जो भी है क्योंकि मित्तल सर है तो आप प्रॉपर फॉलोअप अगर देखेंगे बस हफ्ते हफ्ते में इनका जो भी लाइफ पैरामीटर है जो एनहांस होगा उसको काउंटर चेक जरूर कीजिएगा उसमें कोई गलत राय नहीं उल्टा। और बीपी भी ठीक हो सकता है इनका अगर ब्रह्म रसायन खिला दिया ना सुबह उठ के ये थोड़ा घूम के आए प्राणायाम करें और ब्रह्म रसायन स्ट्रेस न ले थोड़ा पूजा पाठ करें तो बीपी भी पूरा कंट्रोल हो जाता है। जी सर जी सर। और ये जीएफआर जो पूछ रहे थे जीएफआर मेरा 5 है इस समय। जीएफआर 5 है क्या सर? हाँ 5 है जीएफआर इस समय। मित्तल जी आप पूरी तरह से इनका जिम्मेदारी लेके प्रॉपरली शुरू कीजिए और 15 दिन के बाद में जीएफआर कीजिएगा फिर योग जो भी है चेंज कीजिएगा। ओके लेकिन आज जीएफआर इनका जीएफआर देख लीजिए कितना दिन के पहले का है 1 महीने के पहले का होगा तो अभी जब आप 9 तारीख का मैडम ये महीने की 9 तारीख का हाँ 9 जुलाई उसके बाद में आपने आयुर्वेदिक लिया है ना सर कुछ ना कुछ उसके बाद आयुर्वेदिक कल टेस्टिंग करने वापस दूसरी मेरे को हाँ तो जो कल टेस्टिंग करिएगा ना प्लीज डोंट माइंड इट लेकिन सब टेस्टिंग करिएगा उनको बाद में प्रिक जो है वो 2 हफ्ते के बाद में ही लगनी चाहिए ठीक है। वो बोले ना डायलिसिस करना है तो उनको हाँ हाँ बोलेगा उनको नाराज मत करिए लेकिन अंदर से जाके मत कराइए मतलब मन में उनको हाँ हाँ बोलना है उनको नाराज नहीं करना है किसी को बोले हम कराएंगे मन में नहीं बोलने का और उनको सिर्फ हाँ बोलने का मन में ये बोलने का कि मुझे डायलिसिस नहीं कराना है ओके अपने माइंड में डाल दीजिए आपको ओके और दूसरा आपने नहीं बोले तो भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की है कि जो आपको बहुत कॉमन लगती है जैसे दिन में 2 घंटा सोना खाने के बाद में तुरंत सोना ये गलतियां नहीं है ये आपकी किडनी के फेलियर का कारण है तो इसकी वजह से इसको स्ट्रिक्टली कैसे अवॉइड करना है उसके लिए मित्तल सर आपको हेल्प करेंगे। और मित्तल सर यू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छी तरह से क्योंकि दिस इज stage 5 क्रॉस्ड किडनी फेलियर तो इतना नेग्लिजेंस नहीं चलता है ओके। हाँ, तो इनका और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ना इनका माइंड जो है वो स्ट्रेस से दूर हटा दीजिए कि ये किडनी फेलियर वगैरह कुछ नहीं है इनको भूख अग्नि पे ध्यान दीजिए रक्त पाचक मेदो पाचक से इनको खुद ही फील होगा कि इनका बीपी अच्छा हो रहा है इनको अच्छा लग रहा है ये खुद ही बोलेंगे। जी सर जी सर। हाँ अभी दुग्धजन्य पदार्थ मत देना इनको कोई भी दूध है दही है पनीर है छाछ भी सर अभी सीजन देखिए वहां का कैसे लेकिन सबसे पहले ये जो रिजिम बताइए क्योंकि 5 GFR में आपको बहुत केयर लेना पड़ता है सर इनका यूरिया 100 and 150 क्रॉस होगा सो प्लीज नेगलिजेंस। हाँ कितना है यूरिया कितना है 180 मैंने बोला ना सर तो 180 अगर इनका यूरिया है तो आप BUN कर लेना जो इनका नाइट्रोजन जो रहता है ना वो भी कर लेना बिकॉज पेशेंट हैज क्रॉस stage 5 ओके और ये हाइपरटेंशन इंड्यूस है कि जो भी है आपको थोड़ा फास्ट इनका फॉलोअप लेना इनको नेग्लेक्ट मत कीजिए ओके जी जी लूज मत छोड़िए मतलब ओके ओके मैम बिल्कुल। सर इनको ग्रहणी के कोई सिम्टम्स थे क्या मित्तल सर? नहीं सर आपको पेट से संबंधित कोई भी तकलीफ रही है? नहीं एसिडिटी रही है मेरे को काफी 7-8 साल मैंने एसिडिटी की गोली भी खाई है बर्थडे की एसिडिटी रही है ना आपको ओके सर। और आपको आपको बचपन में क्या ये मीजल्स वगैरह हुए थे माता वगैरह जो आती हैं? माता निकली थी एक बार बचपन में मेरे को एक बार निकली थी सर ये भी हेतु है ये दोनों हेतु नोट करिएगा। और साथ में सर ये आपको बहुत तेज फीवर आया है
बचपन से लेकर अभी तक कभी बहुत तेज फीवर आया हो? आता रहता था, हाँ, मतलब देखो दो साल में एक बार तो फीवर आता ही आता था, वैसे भी फीवर आता रहता था। तो सर इसका भी देखिएगा, इसमें पाचन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और एक चीज इसमें आप ऐड कर सकते हैं अभी, मतलब अगर जलौका हो तो पीछे जहाँ पे रीजन होता है किडनी का, वहां पे आप इसको जलौका लगाइए ताकि रक्त दृष्टि वहां की हो, ठीक हो। और साथ में सुबह में इनको प्राणायाम कंपल्सरली बोलिए, ठीक है, प्राणायाम कंपल्सरली बोलिए ताकि ऑक्सीजनेशन हर एक ऑर्गन का शुरू हो। और साथ में वयस्थापन गण भी यूज करिएगा ताकि उस ऑर्गन का पर्टिकुलरली वयस्थापन हो, तो वयस्थापन गण भी इसमें अच्छा रहेगा। और साथ में ताकि ये आगे की चिंता ना करें तो शिरोधारा, क्योंकि कोई भी एक मर्म में अगर आघात होता है तो हमको बाकी दोनों तीनों मर्म के बारे में सोचना पड़ता है। तो जैसे अनुरिता मैम ने बताया था, अर्जुनारिष्ट या जो भी आप शुरू करें, और साथ में शिरोधारा या शिरोपिच्छू या कुछ भी अभ्यंग वगैरह करके, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप इसको शुरू करिएगा। अच्छा मैडम, इससे मेरे को दूसरे ऑर्गन में तो कोई डिफरेंस नहीं, फर्क नहीं पड़ जाएगा, खराब नहीं होने चालू हो जाएगा? सर नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद ऐसा विचार करता है कि आपके हर एक ऑर्गन प्रोटेक्ट है, क्योंकि किडनी से आप जानते हैं सब चीज कनेक्टेड होती है, है ना, ब्लड प्रेशर आपको हाई रहता है, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा आपके, ताकि और किसी ऑर्गन पे इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल ना पड़े। ओके, अनुरिता मैडम, अनुरिता मैम बोलिए। मैं सर, मैम ये कह रहा था, ये सिल्वर और ऑर्नामेंट का इनका वो व्यापार है, बिजनेस है, तो क्या वो मेटल जैसे हम धारण भी करते हैं, उंगली में भी पहनते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, तो क्या कहीं सिल्वर मेटल तो नहीं कोई डिस्टर्ब कर रही है? एक नहीं सर, ये अगर धारण करने से या वो कुछ अगर बिजनेस करे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि रजत वैसे भी नहीं नुकसान करता। हाँ, फर्नेसिस अगर है या कहीं पे उसका फैब्रिक या उसका जो बोलते तंतु में अगर पेशेंट, ये मुझे माइनिंग और इसके पास में तो काम करते हुए नहीं लगते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ऐसा कोई इनमें हेतु नहीं हो सकता, इनका हेतु नहीं, 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 नहीं होता है। मैडम इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट, उनसे छोटा होता है सर। मैम इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, जिसमें आप एक और हेतु पता कर सकते हैं कि इनके घर में कौन सी यूटेंसिल में खाना बनता है, क्योंकि कभी कभी किडनी के पेशेंट में छोटे छोटे से कारण होते हैं लेकिन बहुत आगे चले जाते हैं। तो आप जी मैम, हम छोटे हर चीज पकड़ लेंगे, अभी JFR 5 मतलब हेलो, किसी भी हालत में इनका JFR 15 करना। हेलो हेलो मैडम, हेलो हेलो हेलो, हरिओम सर। अरे सर, आप जो है, हाँ आप जो है बैठे बैठे आप ये तो नहीं करते थे कि बाथरूम आ रहा है, अभी चला जाऊंगा एक ग्राहक चला लूं, अभी फिर चला जाऊंगा, अभी दूसरा उसको चला दूं, अभी फिर चला जाऊंगा, थोड़ी देर लेकिन इस समय उतर नहीं रही है बाथरूम, प्रेशर बनता है बाथरूम का लेकिन तेज नहीं आ रही है बाथरूम बिल्कुल भी। नहीं, ये पुराना पूछ रहे भाई साहब, पुराना, जैसे मान लो आपको यूरिन आ रही है और फिर आप उसको डिले कर रहे हो। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, कभी भी यूरिन आती जाता ही जाता था तुरंत ही, यूरिन को मैंने रोकने की कोशिश कभी नहीं करी आज तक। अच्छा सर, इनका अच्छा सर, इनका जो है वो आपने ये देखा कि यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रहा है? यूरिन का प्रोटीन आ रहा है, 2+ चल रहा है इस समय सर, चेक करके लिए। और अपान अपान वायु की अपान उद्गति हो गई है, उससे हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है और उधर जाके फिर किडनी में प्रेशर पड़ा है, ब्लड प्रेशर हुआ, वहां से क्लियर निकल के आया है और किडनी में प्रेशर पड़ा है। आप सीधे सीधे अनुलोम वायु उसकी अपान वायु की चिकित्सा करो, इसमें अपान वायु को नीचे अनुलोम करके ले जाओ, ठीक है? और सर आप ट्रीटमेंट बता दीजिए ना, क्योंकि बाकी तो तीक्ष्ण अवस्था है उसको खत्म करो। हरिओम सर, आप उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दीजिए, क्योंकि बाकी सब डिस्कस हो गया, लेकिन आपने जो ये पॉइंट दिया तो उन्होंने क्या फॉलो करना? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हां ट्रीटमेंट बता दे रहा हूं, रात को 2 चम्मच एरंड तेल रोज पिएंगे, ठीक है? ठीक है, को 2 चम्मच रोज पीना है, सुबह को उसकी काउंसलिंग, सुबह को उसकी काउंसलिंग ये करनी है कि मेरे को लैट्रिन पतली तो नहीं हो रही है, अगर पतली 2-3 बार, एक बार कोई नहीं, और अगर दूसरी बार लैट्रिन अगर पतली हो रही है तो अगले दिन शाम को 1 चम्मच करेंगे, 1 चम्मच करने के बाद फिर आप फिर उसकी काउंसलिंग करेंगे 3-4 दिन, और 3-4 दिन करने के बाद आप लैट्रिन मतलब 3-4 दिन में लगेगा कि मेरे को पोषण ठीक हो रहा है, लेकिन फिर 5वें दिन लगभग जाके आपको होगा कि 2-3 लीटर फिर 1 चम्मच आना शुरू हो जाएंगी, फिर आप काउंसलिंग करें, फिर आधा चम्मच करें, आधा चम्मच से ऐसा ऐसे करते करते 1 बूंद से आएगा तो वायु अनुलोम हो जाएगी, अपान वायु सीधे अनुलोम ली जाएगी, उधर पित्त के जो स्निग्ध गुण है उसको बढ़ाने के लिए आप इनके लिए पंचतृप्त घृत दिन में 3 बार 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम करके खिलाएं,
बसंत कुसुमाकर रस दो गोली सुबह शाम, कोई भी आप इसमें रिस्क ना। जी सर आपकी आवाज गई। हेलो से ही पेशेंट ठीक हो जाएंगे क्या? यस किससे सर? इन्होंने बस एक ही चीज बताया कि एरंड तेल ही लेना है। नहीं नहीं सर, बाकी सब भी देना पड़ेगा सर। अभी ये कंडीशन सर, पेशेंट गए तो भी चलेगा मित्तल से, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेट ना हो तो आप ठीक। हाँ भाई साहब, हाँ हाँ ठीक है, हम बात कर लेते हैं, है ना? जो होगा मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है ना? ठीक ठीक ओके। और एक मिनट मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ एक मिनट सिंगल सर, एक ना यहाँ पे डॉक्टर नवजोत मैडम आती है, पंजाब से है, उनके पिताजी को पार्किंसन डिजीज था और पूरा मेमोरी लॉस हो गया था, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कि अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन था, आईसीयू में एडमिट थे। अच्छा, तो उन्होंने, उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने उनको कुछ दवाई दिया तो उनके पिताजी 100% क्योर हो गए, ठीक हो गए पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा पेशेंट ठीक हो सकते हैं जब घर के लोग आके मिल के जा रहे हैं, वो ठीक हो सकते हैं। तो आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है, किडनी थोड़ा बीमार है, वो ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे आप। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ यार। चलो यार अच्छे हो जाए तो उसमें क्या बात है, फिर तो सही बात है। बस आप डायलिसिस वोलिसिस मत कराइए। ठीक है चलो ठीक। और थोड़ा परहेज करिए, दिन में नहीं सोना है, जल्दी उठना है। खाने पीने में पूरा परहेज है, पर वो दिन में सोने की जो आदत है ना वो मेरी बहुत पुरानी है, वो नहीं जा रही जल्दी से मेरे। तो आप मेरे को फोन करिए ना, हम लोग गप्पे मारेंगे ना। पाठक सर इनको यूरिन का वेग तो आ रहा है, लेकिन क्या प्रोस्टेट का एपिसोड हो सकता है क्या? प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रोस्टेट नहीं है, प्रोस्टेट तो मैंने वो होल एब्डोमेन कराया था उसमें नॉर्मल आया प्रोस्टेट। तो यूरिन बाहर क्यों नहीं आ रही है? जब वेग आ रहा है तो इसका मतलब उसमें है, ब्लैडर में यूरिन है। ब्लैडर में है यूरिन, लेकिन ब्लैडर में है लेकिन मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है ना, अभी शरीर में कितना ज्यादा है ये अभी मूत्राधार प्रॉब्लम मेरे को अभी से। अच्छा सर आप दही खाते थे क्या रात को? नहीं दही तो बंद, दही तो मेरे बंद ही कर रखा, दही तो मैं खाता ही नहीं, दही दूध और छाछ वगैरह सब बंद है इस समय तो। अरे पहले तो खाते थे ना, पहले तो खाते थे, पहले हाँ पहले खाता था, आज से दो महीने पहले दही खाता था, अब नहीं खाता। हाँ देखिए दही का जरूर रहता है, अभी शंदी गुण बढ़ा रहे, दही ये हो रहा है, स्त्रोतस पूरा ये हुआ है, ब्लॉक हुआ है। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल यही। अच्छा प्राप्ति है ये पाठक सर, इनको ठंडे पानी की और काली मिट्टी की मृतिका पट्टी रख सकते हैं क्या पेटू में, ताकि यूरिन जो है ना वेग बन जाए उसका, पास भी हो जाए? अच्छा अच्छा हाँ वो रख सकते हैं, वो तो मैंने किया है बस, मैंने सात मतलब 10-10 दिन का कोर्स दो बार मैं करके भी आया हूँ ये स्वास्थ्य ये वाला अपना। सर इनको कलमी सोरा का लेप लगा के पट्टी करनी चाहिए, उससे यूरिन जल्दी पास हो जाता है। श्वेत परपट्टी और कलमी सोरा मिलाकर आप है ना पट्टी रखे अपने पेड़ पर, यूरिन आ जाता है। सर इनको जाने देते हैं, अपन फिर डिस्कस करते हैं, फाइनलाइज करते हैं क्या इनको देना है। दो तीन दिन इंश्योरेंस भी दीजिए इनको, रोज 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 ना माइंड पे ऐसे वो लेके आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जी अच्छा गुप्ता जी आपको कुछ पूछना है भाई साहब? नहीं बस मैंने पूछ ले मेरी जो हिस्ट्री थी मैंने बता दी सारा कुछ। ठीक है आप आराम करिए, जल्दी खा के सो जाइए। ठीक है आराम से रेस्ट करो, मैं बात करके फिर आपसे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब। अच्छा नमस्कार भाई, लीव मीटिंग करना। ठीक है और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं ये केस में। डॉक्टर आंकल वर्मा जी, हम नए नए लोग को भी चांस देते हैं। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी, डॉक्टर धनिया का सरस भी मूत्रल काम करेगा ना? कौन सा धनिया कोरिएंडर जीरक का फांट देते हैं ना, बहुत अच्छा काम करेगा। और कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर पिंकी महेश्वरी जी आप बताइए कुछ ट्रीटमेंट जो आता है वो बोलिए। सर नमस्ते सर, डॉक्टर लावण्या फ्रॉम अबुम नगर सर। यस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो। नो सर मुझे हिंदी ही आता है। शतपुष्प भी मूत्रल जैसा काम करता है सर जी, वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन से कुछ भी नहीं है ना सर, कुछ स्वेलिंग कुछ भी नहीं है ना? नहीं उल्टा अभी किडनी उनका एकदम नॉर्मल है, साइज भी एकदम नॉर्मल है, वो थोड़ा कम आ रहा है ये बस है।
मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है। मूत्रल तो द्रव्य गुणा में शतपुष्प ही बोले ना सर, वैसा वो भी दे सकते जी। ओके सर। सर इनमें पैरों में स्वेलिंग वगैरह तो नहीं थी ना, जो हमने हिस्ट्री में नहीं देखी। मित्तल सर आपके भाई साहब को है क्या पैरों में स्वेलिंग? नहीं स्वेलिंग नहीं थी सर। और जी काम है क्या? हाँ जी जी जीवा कैसा है? जीवा तो देखा नहीं, एक्चुअली ये लोग राजकोट रहते हैं, मैं जोधपुर रहता हूँ सर, है ना। अच्छा। ये राजकोट में है, गुजरात में। मेरे भाई साहब के फ्रेंड है, ये बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरे भाई साहब के। मेरे ब्रदर वहाँ राजकोट में कस्टम ऑफिसर है, उनके फ्रेंड है। इनका गोल्ड और चांदी वगैरह का काम है। मैं वही सोच रहा था कि फेस तो मिल नहीं रहा, आपने कहा मेरे बड़े भाई हैं। उनके सामने तो बड़े भाई है ना वो सर। मैं बहुत फैमिली रिलेशन है बिल्कुल। हाँ, हाँ, लेकिन आप इस केस को सॉल्व करके बहुत अच्छा अपना छाप छोड़ेंगे। आप इसमें बिल्कुल भी कोई डील मत दीजिए। और श्रोतावरोध इतना ज्यादा है, बस श्रोतावरोध को दूर करेंगे ना तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक तो दिवा स्वाप है और दही का सेवन, यही मेल मिल रहा है। और टाइम पे न खाना और खा के सो जाना। आप जो भी इनको योग देंगे ना, इनको आज रात में बता दीजिए कि कल सुबह इनका लैब टेक्नीशियन घर पे आके सैंपल लेना चाहिए, ताकि आपके पास में प्रूफ रहे। और ऐसे मत रहिए कि ये नॉर्मल होगा वो नॉर्मल होगा, उनके रिपोर्ट मंगा के अपने पास में रखिए, खास करके सोनोग्राफी या स्कैन जो भी इनका मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे अगर। और एक और चीज मिला, इनका हीमोग्लोबिन 8 है जी। इनका ये जब रक्त पाचक मेदो पाचक देंगे ना, तो इनका रक्त धातु भी अच्छा होगा, रक्त स्रोत भी खुल जाएगा। जब रक्त अच्छा जाएगा किडनी को, तो यूरिया क्रिएटिनिन क्यों नहीं कम होगा? आप सोचिए, रक्तवाह स्रोत भी इनका ब्लॉकेज है पूरा जी सर। हेलो सर। हाँ जी स्नेहा जी बताइए। हाँ एक्चुअली मैंने मतलब एक लेक्चर में सुना था, मैंने कभी किया नहीं है। आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि ऐसे सीकेडी के पेशेंट में ना गोट का ओजरी रहता है ना, बकरी का कट रहता है, उसका बस्ती भी देते हैं। मैम बस्ती देते अभ्यंतर यूज करते, लेकिन अभी पेशेंट का जो कंडीशन है ना, उस इसमें पहले वातानुलोमन हो जाए इसका, सोता फिर जब मेंटेनेंस में आएंगी ना, ये इनका 180 यूरिया समझ रहे मैम, और ये जो बोल रहे ना ब्रेडलेसनेस है, तो ये कंडीशन जितनी वो व्यक्ति नॉर्मल दिख रहा है उतनी अंदर संप्राप्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से मित्तल सर आप सिर्फ उनको डेली अपडेट के लिए बोलिए, एक बार कॉल आपका कीजिए, और 7 दिन में जैसे ये योग शुरू होंगे, आज सारा स्क्रीनिंग करा के 7 दिन में रिपीट कराएगा क्रिएट यूरिया इलेक्ट्रोलाइट और इनका यूरिन। और सर आप दीपन पाचन ये सब भेज ही दीजिए ना, रक्त पाचन। नहीं मैं आज कल ही भेज दूंगा सुबह मॉर्निंग में। हाँ सर। और ये सर आप ये केस जीत जाएंगे, पूरा ठीक कर देंगे आप। नहीं बस सर हम आप जैसा आप गाइड करेंगे उसी तरह से करना है, एक केस मतलब उनको ठीक ही करना है सर। बस स्ट्रिक्ट रहिए सर, क्योंकि क्या होता है जीरा लगाने के लिए 15 मिनट भी नहीं लगता है, और डायलिसिस के डिसीजन के बाद में जिंदगी एक व्यक्ति की खराब हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं रहता है। लेकिन ये कोई बताता नहीं है, और आप लाइटली रहेंगे। इतनी बड़ी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको लोग नहीं बचा पाए एलोपैथी के। हां डेफिनेटली डेफिनेटली सर बिल्कुल। और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने जीएसटी लाया, उनको नहीं बचा पाए। जी सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इनको भेजता हूँ सर, फिर आपसे गाइडलाइन लेकर आऊंगा। हाँ, भी आप लोग। और सर आप ना ये केस हमको और बताइएगा फॉलोअप पे, ताकि बिल्कुल लोग और सीखने को मिलेगा। 100% सर 100%। हाँ, इसीलिए इनको लाइव लेके आया कि ताकि सीधा आपका इनसे कांटेक्ट हो तो सही तरीके से हुआ है। सर प्रणाम आपको। थैंक यू सर। हाँ मैं सर ये सीकेडी पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सीकेडी नहीं थे ये, क्रॉनिक नहीं थे, अभी तो शुरुआत हुआ इनका। हाँ, हाँ, आप बताइए आप बताइए। हाँ, सर इसमें सर कि मोस्टली पेशेंट जो हेतु का जो सेवन कर रहा है उसको अपन क्या है कि मना करेंगे, जैसे कि अभी चर्चा क्या चल रही थी साथ में क्या कि जो ज्यादा साल्टी डाइट है, लवण है, अम्ल है, कटु, ऐसी चीजों से थोड़ा सा बचना है, और ज्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह इनसे थोड़ा सा बचना है। जो ग्रीष्म जो सीजन की जो है लाइफस्टाइल है उससे उसका अपन को क्या पालन करना है, ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, तो उसके हिसाब से। तो अब सारा इस पे डिस्कशन हो चुका है, मैं इसमें इनको जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक जैसे आता है सब धोत घृत आता है, उसका अभ्यंग यदि करना चाहे तो ये कर सकते हैं, और
और पीने में जैसे ये लघु है, शीत है, मधुर, ऐसे अल्प स्निग्ध जो भोजन है वो इनको करना चाहिए। और एक ये शक्कर के साथ दूध जैसा है तो वो भी ले सकते हैं। ये हरा धनिया है वो भी ले सकते हैं, जीरा भी है जैसे मतलब ले सकते हैं, आंवले का शरबत है वो भी जैसे मतलब यूज जैसे कर सकते हैं, सतावली है इसका यदि इसका पाउडर का ये सेवन करें तो भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। और ये मुनक्का का जैसे ये शरबत है वो भी ले सकते हैं। ये सब मैंने लिख के नोट किए हुए हैं कि किसी के डी पेशेंट को अपने को क्या देना है। और साथ में अभी जैसे हुआ था कि भोगसूर का जैसे काढ़ा है तो ये भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भोगसूर है तो मूत्रल है और ज्यादा जो इसमें जैसे प्राणायाम में है जो कपालभाति है और एक जो है शीतकारी जो है जो प्राणायाम है वो करना चाहिए। और एक वो है चंद्रभेदी वाला भी है, लेफ्ट जो नोस्ट्रल होता है उससे केसांस लेना होता है, ओनली लेफ्ट नोस्ट्रल है उससे केवल सांस को लें। तो ये चंद्रभेदी वाला प्राणायाम है जो वो करना चाहिए ज्यादातर। और आसन में जैसे एक आसन है जो वज्रासन है जो अपन अधिकतर ये खाना खाने की बात करते हैं तो इससे भी किडनी ये काफी एक्टिव रहता है, लीवर भी एक्टिव रहता है। तो ये और जिस मंडूकासन है वो भी क्या क्या करना चाहिए, तो ये आसन वगैरह हैं। और इसमें मेन एक चीज और आई है कि आहार विहार में जो गैप है 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए ज्यादा। और दालों में कुलथी है, ज्वारी है और इनका सेवन कर सकते हैं। और एनिमल प्रोटीन है इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, एनिमल प्रोटीन क्या है जो भी है दालें हैं इनसे के बचना चाहिए। तो सर ये ऐसे मेन मेन चीजें हैं, बाकी मेडिसिन तो क्या सब है ये आपने ये सब बता दी है जी। तो इन सब चीजों का आहार विहार के साथ अपन जो मेडिसिन के साथ ये कुछ एक्सरसाइज है वो आपने बहुत बढ़िया बताया सर, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। आप थोड़ी सी स्पेसिफिक मेडिसिन भी बता दीजिए थोड़ी सी जो आप अपने पेशेंट को देते हैं। मेडिसिन में जैसे चंद्रभावटी भूसा बिल्कुल है और ये जो बताया था कि ये जो सर ने बताया था रक्तपाचक है, मेदोपाचक है और साथ में जो एक हितापैदिलो है और ये पुनर्नवादी मंडू है और ये गिलोय सत्व है, ये सब मैं देता हूँ। और साथ में जो बस्ती है वो धनवंत तिल की बस्ती है, चेबुला तिल की बस्ती है, ये सबसे अच्छा है इसमें काम करती है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले भी होते हैं ना उनको भी अगर हम बस्ती देते हैं सिंपल सिंपल धनवंतर तेल और दशमुल काढ़े का मात्रा बस्ती देते हैं ना तो वो पेशेंट मेंटेनेंस डोज में रहते हैं, तो हमेशा मेंटेन रहते हैं, उनको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक बार डायलिसिस की आदत पड़ गया तो किडनी फिर क्यों खुद काम करेगी, आप खुद सोचिए। मशीन जब अगर यूरिन निकाल रही है पूरा तो फिर किडनी काम क्यों करेगी, उसको आदत पड़ जाती है वो नहीं करता है कुछ। एक सर एक ऐसे ही थोड़ा सा अलग केस था, वो शुक्र दौर्बल्य का था तो मैंने उसको ये सीवरा तेल की बस्ती दी थी तो वो मेरे पास अगले दिन आया। मैंने कहा आपका जैसे एक्सपीरियंस मतलब क्या रहा आप बताओ कि सर आपने क्या किया, ऐसा लगा जैसे कोई सावन आ गया शरीर के अंदर तो उसको इतना इतना अच्छा फील हुआ। क्योंकि ये बात आपका सच है, बस्ती से फायदा होता है। किस चीज का बस्ती दिया था सर आपने? तीर वाला तेल का दिया बस। हाँ 50 ml काफी हो जाता है सर, आप बस्ती के बहुत सुंदर रिजल्ट। 50 ml दिया था तो उसको बोला कि सर मुझे मजा आ गया। पहले तो क्या डर रहा था सर ये क्या है, ये तो मेरे मतलब कभी देखी भी नहीं है। मैंने कहा आप करो सर एक बार, फिर अगले दिन के फिर आया सर ये बस्ती लगवा। और आप इतना प्यार से बोलते हैं तो लोग सुनते भी होंगे, आप इतना प्यार से बोल देते हैं। हाँ फॉलो कर लेते हैं बस्ती के लिए बोलता हूँ, उनके दिमाग में रहता है आते हैं मतलब वो क्या 5-6 दिन ये 7 दिन बाद आते हैं। सर आपने वो एक जो बताई थी बस्ती सी के व्यापार, मैं इसको क्या बोलता हूँ सर, मैं इसको बोलता हूँ रॉकेट थेरेपी तो लोग समझ जाते हैं रॉकेट थेरेपी रॉकेट थेरेपी। अच्छा अब हम भी बोलेंगे
रॉकेट सर भी। पाठक सर, पाठक सर आपने ना ये जो एक बात कही थी कि ना एसी में लिटा देते हैं और पानी कम पीने को देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, पूरी तरह से सही है। और क्योंकि ये ना आप किडनी के फंक्शन को ब्लॉक कर रहे हो कहीं ना कहीं। कहा गया है आयुर्वेद में अगर आप किसी भी बॉडी के फंक्शन को ब्लॉक कर रहे हो तो वो इनएक्टिव फेस में चला जाता है, फिर वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। जैसे आप हाथ से एक्सरसाइज करते हो, डंबल्स उठाते हो, तो आपकी मसल्स मजबूत होती है, आपका हाथ मजबूत होता है। आप ब्रेन का पावर का इस्तेमाल करते हो तो आपका ब्रेन मजबूत होता है। उसी तरह से जैसे आप कह देता हूँ पाचन क्रिया में, जैसे बहुत लोग खाते हैं कुछ तो उनका भी पाचन क्रिया भी ठीक रहता है। और सेक्स में जो लोग सेक्स ज्यादा करते हैं उनका सेक्स पावर भी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वो सेक्स ऑर्गन को एक्टिव रखते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा था, ये बिल्कुल भी एलोपैथी की गलत बात है कि पानी नहीं देना है, किडनी फंक्शन को ब्लॉक कर देना है तब हम किडनी ठीक करेंगे, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो कभी नहीं, पसीना लाना ही बंद कर देते हैं, एसी में सुला देते हैं, पसीना नहीं आएगा तो कैसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ये, इसको पॉइंट आउट करना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए इस बात को। ये बिल्कुल सर, आपको मालूम है ये किडनी फेलियर की जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उनका कंसेप्ट टोटली अलग है, हमारा कंसेप्ट टोटल अलग है, हमारी जो भी ट्रीटमेंट की स्टाइल है, उसकी सोच, उसका जो भी प्रिंसिपल है वो अलग है। लेकिन एलोपैथ लोग हमको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। अगर आपने सीकेडी के पेशेंट को हाथ लगा और उसको अगर आपने अम्बू पर मतलब पानी का अगर है तो लिटरली झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती है। इस वजह से पेशेंट को डायलिसिस के पहले जितना, जैसे हमने अभी इन सर से बात किया तो उनको जितना मित्तल सर स्ट्रिक्टली बोलेंगे ना और एकदम स्ट्रिक्टली उनके ऊपर है तो उनकी वो अवस्था ही नहीं आएगी। लेकिन अगर वो डायलिसिस में या मॉडर्न के हाथ में गए तो वो डॉक्टर उनके सारे प्रेजेंटेशन, उनके हॉस्पिटल और सेटअप की वजह से वो लिटरली आयुर्वेद लोगों को गालियां देते हैं और अनसाइंटिफिक बोलते हैं इस वजह से। इसलिए हमको डटे रहना है, हम कैसे संप्राप्ति भंग करें। और जितना अच्छा, मैं एक चीज बताऊं क्या, अभी मित्तल सर ने ये इनको ठीक कर दिया तो इनके पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा ना कि किडनी पेशेंट सर। इसीलिए तो मैंने बोला कि 24 घंटे के अंदर उनके रिपोर्ट करा के ट्रीटमेंट शुरू करें सर। 5 GFR मतलब किडनी इज जस्ट ओनली 0.1% वर्किंग, इसकी वजह से ये सीकेडी ही है। लेकिन ये आयुर्वेद के हिसाब से पहले मूत्राघात हुआ है सर, और मूत्राघात में जो मूत्र क्षय करके एक अलग से 13 जो अलग अलग के मूत्राघात बोले गए हैं उसमें से मूत्र क्षय के पर्टिकुलर टाइप में आ गए हैं। इसके पहले सिर्फ केवल मूत्राघात था, लेकिन जो इनका ड्रग इंड्यूस्ड कुछ होगा संप्राप्ति हेतु, उसके बाद में इनका जो खानपान का तरीका है, इनका जो भी लिथार्जिक लाइफस्टाइल है उसमें इन्होंने अग्नि का संदूक्षण ही नहीं किया है, बस ये खाते रहे हैं और उसके साथ में इनका जो भी अग्नि मानद्य है वो सब जगह बढ़ के क्लेजन्य संप्राप्ति बढ़ के सब श्रोतारोध इतना बढ़ गया कि ये जो बोल रहे ना 8 दिन से मूत्र बंद है, ऐसा नहीं है। मूत्र पहले कम होता है फिर उसके बाद में तोदगत या कुछ मूत्र कृच्छ के लक्षण दिखते हैं लेकिन हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, कोई रीजन होता है या फिर हम उससे साथ में हो जाते हैं। और अभी जो है इनका वो मूत्राघात मतलब अभी मूत्र बन नहीं रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, मूत्र कृच्छ में मूत्र बनता है लेकिन श्रोतारोध की वजह से निकलता नहीं, लेकिन मूत्राघात में मूत्र क्षय हो जाता है, मूत्र बनता ही नहीं है या फिर इतना ज्यादा श्रोतावरोध रहता है। इसलिए जब हम मूत्र विरेचनीय गन यूज करते हैं या मूत्र जब हम संग्रहणी तो यूज करना ही नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन मूत्र विरेचनीय गन जब यूज करते हैं या किसने वो बोलते बोलते रह गया, लेकिन ग्रंथों में ना एक बाह्य चिकित्सा भी बोली गई है, आलेप बोला गया है, धारा बोली गई है, तो ये मूत्र कृच्छ में बहुत इजीली हमको मिल जाता है कि हमने शिश्न के ऊपर धारा किया या बस्ती के ऊपर उपलेप किया या बस्ती को हमने जैसे सर पत्र पोटली बोलते हैं वैसे अगर अवगाह किया तो हमको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अभी ये संप्राप्ति बहुत सीवियर कंडीशन पे, बस पेशेंट का बल अच्छा है और पेशेंट का जो भी बोलते हैं ना अज्ञान है तो अच्छा है, और एलोपैथिक लोगों ने इनको डराया हुआ नहीं है, सो इस वजह से वी हैव टू बी वेरी फास्ट। ओके तो आपकी कहने का मतलब है वाटर जो है उसको मना नहीं करना है कि पेशेंट वो पानी पिए। हाँ, पानी तो पीना चाहिए ना। हाँ, ये रवि कुमार जी बोले कि आयुर्वेद से नेफ्रॉन ठीक कर सकते हैं, हम पूरा शरीर को रीजनरेट करते हैं तो नेफ्रॉन क्या चीज है सर, ब्रह्म रसायन मैंने बोला ना, ब्रह्म रसायन से ठीक हो जाएंगे, रसायन का काम ही है पूरा ठीक हो जाएगा पूरा। डॉक्टर अनुरीता मैडम आपसे मुझे एक बात करनी है, बोलिए ना सर, क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया हमारा सेशन का। आपके आपका क्लिनिक है ना उसके सामने ना 500 करोड़ का एक बिल्डिंग है, वो आपका होने वाला है मालूम है क्या? हे भगवान सर, आपका हॉस्पिटल बनने वाला है वहाँ पे सर, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए सर। आप ना
मेहनत करते रहिए, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो 500 करोड़ की बिल्डिंग आपकी होने वाली है कुछ साल बाद। नहीं सर, आप सिखाते रहिए, आपके बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहे सर, एकदम सर लोगों के ऑपरेशन बचाते सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशीला मैडम को क्या ट्रीटमेंट दिया था आपने? सुशीला मैडम को नहीं सर, अच्छा वो, अरे सर वो छोटा बच्चा था, उसका कल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का ऑपरेटिव था, और वो उनके मतलब जो बच्चे का डैडी है वो पूरी तरह से थे कि नहीं ऑपरेटिव ही कराना है, पेशेंट यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, सर ना पेशेंट बस्ती के लिए तैयार ना बाकी का चीज। मैंने उनको जो योग बताया वो इतना सिंपल योग था, लेकिन वो भी उनको नहीं मिला। फिर क्या है सर, जैसे हम आईसीयू में करते वैसे उनको एरंडेल तेल पिलाया, उनको मैंने हिडा बेड़ा, आमला की पिपली, सुंट, यष्टि मधु और जीरक, अजमोदा, चित्रक, चिंचक्षार 25 ग्राम और जातिफल, ये योग बताया सर, उसमें से उनको सिर्फ 50% भी चीजें नहीं मिली। फिर मुझे जो अवेलेबल हुआ सारा फोन पे मेरा ये जा रहा था, उसको पेट के ऊपर भी मैंने एरंडेल तेल लगाने के लिए बोला, 50 ml पीने के लिए बोला, वो बोले बस्ती नहीं है सर, लिटरली मैंने बोला ठीक है किसी भी चीज का एनिमा दो, एनिमा देने के लिए तो कोई तैयार होगा, क्योंकि बस्ती के लिए कोई, वो बहुत अलग, जब मैंने 40 GS हॉस्पिटल में मैं कार्डियक और कैंसर के केसेस देखती हूँ या वहां से केसेस आती मेरे पास, उस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेटिव था, और 40 हॉस्पिटल में कोई जाता है ना सर, 1-2 लाख के नीचे तो बिल बनता ही नहीं, और बच्चा 13 साल का सिर्फ, उसका हेतु भी उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। सुशीला मैम का मुझे फोन आया कि मैम ऐसे से आपको कॉल आएगा, लेकिन क्या संप्राप्ति कुछ भी नहीं, और उन्होंने बोला मैडम आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है बॉम्बे में, मैंने बोला मैं तो बॉम्बे में हूं ही नहीं, तो इसकी वजह से वो डेस्परेट थे दूसरे दिन ऑपरेटिव कराना। उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट भेजी उसमें भी सोनोग्राफ मैं दिखा भी सकती हूँ, तो उसमें इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन और इसमें अभी कैसे है सर, अलसक की जैसे हम चिकित्सा करते ना बस वैसी संप्राप्ति मुझे दिखी, क्योंकि उसने कुछ 3-4 दिन पहले किसी पार्टी में कुछ खाया था, और बच्चे का जो भी हिस्ट्री है उतना लेने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि बच्चा रो रहा था, उसको ना उल्टी हो रही थी ना मोशन हो रहा था, पूरी तरह से कोष्ठबद्धता थी, तो गलती से मैंने उनको ये बोल दिया कि आप कुछ भी करिए, लेकिन पहले 20 उन्होंने डर डर के सिर्फ 2 चम्मच एरंडेल तेल दिया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और पेट में इतना सीवियर पेन। फिर मैंने ये पूरी 665 मिलीग्राम की पूरी ये बना के दी थी लिस्ट, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने बोला आपके घर में क्या है, फिर सुंठ मिला, जीरा, अजवाइन, उसके बाद में हिंगू मिला, हिंगू को भून के 4 ग्राम हिंगू और बाकी को 50-50 ग्राम ये करके मैंने बोला सबसे पहले गुनगुने पानी के साथ में आप इसको पिलाओ, लेकिन पानी उबाल के गर्म किया हो, बिकॉज उसका ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी रहती है, तो आपको मालूम है डॉक्टर्स लोग चीरा मतलब बैठते ही है तो इमीडिएटली उसका रिसेक्शन ही होता है, तो इस वजह से मुझे ये था कि 12 घंटा भी नहीं था मेरे पास में, और उनके हस्बैंड मन बना चुके थे, और मैं वो मम्मी से काउंसिल कर रही थी, मैंने रिक्वेस्ट करके बच्चे से बात किया, तब मुझे पता चला कि उसको गैसेस और उसका जो ये लॉकडाउन के पीरियड का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसका मतलब वहां पे वात प्रकोप और श्रोतारोध जन्य संप्राप्ति पहले से, लेकिन उसके बाद में जो भी कफजन्य और वात प्रकोपित उनका हेतु सेवन हुआ होगा 3-4 दिन पहले, शायद बेकरी प्रोडक्ट या कुछ ऐसे अभिषंधी गुण का होगा, तो जिसकी वजह से अलसक की तरह ना ऊपर की चीज ऊपर में और नीचे की चीज नीचे ही, मतलब ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ना उल्टी हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने कोष्ठ जल और हिंगवास्टक बोला था, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम कौन सी एरिया में, शायद एरोली वगैरह कहीं रहती थी, तो मुझे इतना ही था कि बस मात्रा बस्ती मिले, नहीं तो कुछ भी करके अनुलोमना थे, तो वो बोले कि मैडम वो पेट से बहुत ज्यादा करा रहा है, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप हिंग की और सुंठ की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि त्रिकुटू वगैरह कुछ नहीं था उनके पास, मैंने सिंपल हिंगवास्टक योग बोला, तो वो एक्चुअली उनकी मानसिकता आयुर्वेद पे विश्वास रखने की नहीं थी। फिर मैंने उनको आमिष भी दिखाया, ठीक है अगर 24 घंटे में नहीं रिलीव हुआ तो आप वहां ऑपरेट मत करिए, आप पुणे आ जाइए, मैं उसको जो भी है वो सर, लेकिन विदाउट ऑपरेटिव अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। बोले नहीं मैडम कल वो पेशेंट बच्चे का गड़बड़ाहट बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है और ऐसा है वैसा है। फिर मैंने उनको बोला कि काम करिए गर्म पानी का थैली लीजिए और पूरे पेट को साइकोलॉजिकल जिसे बोलते हैं इसमें सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरंड तेल कोष्ण करके उसको घुमाइए, गलती से उनको मिल गया एरंड तेल, नहीं तो मैं घर में जो तेल है उसके अंदर लहसुन डाल के या फिर नमक डाल के उसको उबाल के प्रतिसरण करने के लिए बोलती हूँ, अब वो पिचू विचू तो नहीं समझते थे, मैंने बोला उसको लगा और गर्म पानी की थैली से सिकाई करो। फिर उसको जब 20 ग्राम से नहीं हो तो मैंने फिर से 50 ग्राम एरंडेल लेने के लिए बोला और उसको एक मोशन हुआ, एक मोशन होने के बाद में उसका पेन रुका और उसके बाद में उसका जो पेन वगैरह तकलीफ है वो जो छटपटा रहा था वो कुछ कम हुआ। और दूसरे दिन इतना तो मुझे न्यूज पता चला कि उसको ऑपरेटिव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं बस थैंक्स करके मुझे मैसेज आया था।
और कुछ नहीं, ऑपरेटिव बज गया बस, अपने लिए बहुत हो गया सर। और डॉक्टर जी मैंने आपको जो किताब दिया है वो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, आप मन लगा के बातचीत करते रहिए, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल। और अनुरिता मैडम जो आपके बिल्डिंग के सामने जो बिल्डिंग है वो आईटी का है, अभी आईटी कंपनी का है, वो आपका होने वाला है सर, आपका होने वाला है 5 करोड़ का। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग सर, लेकिन आप सिखाते रहिए। हां सर, मैं कोशिश करूंगा आपकी। हां जी, मैं आप सभी का 30 सेकंड मतलब लूंगा। मैं दो केस मैंने क्या लिए हैं कल अभी सर, टाइम हो गया, 9:30 बज गया है। हाँ वही, खाना वाना खाना है सबको, कल मिलते हैं। अनुरिता मैडम आपका, आपसे ना बहुत ऐसे दिल खुश हो गया कि आप इतना अच्छा कर रही हैं, सच में बहुत अच्छी हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर, सब की ब्लेसिंग मी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। Night.